सो हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी सर्टन स्टैंडर्ड या बोर्ड में कैटेगराइज नहीं है। आप किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आपको आइदर ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा या आप आगे भविष्य में पढ़ने वाले हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आज बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एटम क्या है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। बात करेंगे कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो कैसे डिस्कवर हुए, उनकी डिस्कवरी की कहानी पढ़ेंगे। एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा है वो जानेंगे। हम जानेंगे कि एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल या बोर मॉडल क्या थे और वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। और इस चैप्टर के एकदम लास्ट में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की भी, कि आगे रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हाइड्रोजन बम और एटम बम क्या होते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, हमें क्यों ज़रूरत है यूरेनियम की ताकि हम ज़्यादा एनर्जी निकाल सके। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड यही है ये चैप्टर। सो जल्दी चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली चीज़, व्हाट इज एटम। एटम शब्द सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। एटम किसने दिया था? डाल्टन ने। और इसका दो शब्दों से बना था, ए एंड टम। ठीक है, ए का मतलब था नॉट और टम का मतलब था डिवाइडेड, जिसका मतलब था नॉट डिवाइडेड। तो इसकी डेफिनेशन जो दी गई थी वो किसने दी थी सबसे पहले? द टर्म या जो शब्द है एटम, इट वॉज गिवन बाय डाल्टन। ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ओके, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, मैं ये जो बोलता हूँ ना कि ये याद रखना, सच में याद रखना, ताकि आपको समझ में आए कि ब्रिटिश लोगों का कितना इम्पैक्ट था रूलिंग में भी और साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी। क्योंकि इसमें डाल्टन की बहुत सारी हम थ्योरीज डिस्कस करें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे और हम उनको क्रॉस भी करते जाएंगे कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ऐसा वैसा, लेकिन स्टिल हमको पढ़ाई जाती है डाल्टन थ्योरी। स्टिल हम एटम शब्द को एज इट इज़ यूज़ करते हैं जो डाल्टन ने सजेस्ट किया था। ऐसा क्यों हुआ वो सब आपको समझ में आ जाएगा। डन? तो बच्चा पार्टी, सो व्हाट इज एटम? इफ़ वी डिफाइन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डू नॉट गेट डिवाइडेड, या एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच डू नॉट गेट डिवाइडेड। फर्दर दिस इज वॉट स्टेटेड बाय डाल्टन बाबा। डाल्टन बाबा ने यह बात बोली। अभी जो बुजुर्ग होता है उन्हें बाबा बोलते हैं ना, दादा। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी? तो डाल्टन भाई ने यह बात बोली। मैं बोल सकता हूँ ना, मैं भी तो पुराना हूँ। बच्चे खुश है, सर भी हमारे बुढ़ापे में है, ऐसा। क्लियर? तो डाल्टन ने ये बात बोली थी, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। एटम, ये बात सही है कि पहले डिवाइड नहीं होता था, अब तो प्रॉपरली डिवाइड होता है। हमको पता है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, सभी बच्चों को ये बात पता है, और एटम के चारों तरफ शेल्स होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। ये सुनो, सो एटम के अंदर ये पार्टिकल कहां प्रेजेंट है? जब हमने एटम को तोड़ के देखा, तो इसका मतलब क्या है कि एटम नॉट डिवाइडेड नहीं है, इट इज एक्चुअली व्हाट? डिवाइडेड। लेकिन ये जो शब्द था ना एटम, ये एज इट इज़ हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सही है, मतलब शब्द वो इससे ये वाइडली यूज़ हो गया और लोगों ने इस पर, इस शब्द पे कोई किसी को आर्ग्यूमेंट रहा नहीं। ठीक है, क्लियर बच्चा पार्टी? तो अब बात आती है कि एटम की जो डाल्टन की जो कहानियाँ थी, उन कहानियों को एक बार डिस्कस कर लें। डाल्टन बाबा ने जो जो चीज़ें बोली, ठीक है, हम देख लेते हैं क्या उन्होंने सही बोला है कि नहीं। भाई ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं कि डाल्टन जो कुछ कह रहे थे वो सही बोल रहे थे कि हवा हवा में दिए जा रहे थे। देखो, पहला क्या बोला उन्होंने, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। हमने क्या बोल दिया? नहीं भैया, इट इज़ डिविजिबल। पहला स्टेटमेंट हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। उन्होंने आगे भी लिखा, दिस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सही है, एटम को आप ना बना सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक्सेप्ट अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हो। तो अगर इस लाइन को आप जनरलाइज कर दो कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इन अ केमिकल रिएक्शन दिस इज ट्रू. एटम, जैसे आपने कार्बन को जलाया CO2 बनाया, तो आपने कार्बन की रिएक्शन कराई, कार्बन की रिएक्शन आपने कराई तो CO2 बना, है ना. आपने कार्बन नहीं बनाया है, आपने रिएक्शन कराई है. लेकिन हम जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल का बम्बर्डमेंट किया था बोरॉन पे और नाइट्रोजन बना दिया था, तो बोरॉन से नाइट्रोजन बन गया. हाँ, ये बात और है कि न्यूट्रॉन भी बना था. और ऐसी बहुत सारी जगह रिएक्शंस होगी कि आप यूरेनियम लोगे तो पता चला नेपच्यूनियम बना दिए, आप एक्टिनियम बना दिए, लेड बना दिए. तो एक मूवी आई थी आयरन मैन, कितने लोगों ने देखी है मूवी आयरन मैन, आयरन मैन 2 याद है आप लोग, आयरन मैन 2. उसमें टोनी स्टार्क क्या करता है, जब उसके छाती पे जो रहता है वो बोलता है इससे धीरे धीरे मर रहे हो आप, है ना. तो क्या करता है, बोलता है मुझे एक नया एलिमेंट बनाना है ना. तो वो जार्विस क्या करता है, एक नया एलिमेंट बनाता है जो ट्रायंगल शेप्ड रहता है, याद है कि नहीं. एक आग रिएक्टर में लगाता है, याद है कि नहीं, छोटा सा आग रिएक्टर में प्लग करता है. बच्चों को ये याद चल जाता है. तो उसने क्या किया था, एक न्यूक्लियर रिएक्शन कराई, समझ में. बोलते भी है ना आर्क रिएक्टर, इतना छोटा आर्क रिएक्टर कैसे बन सकता है, बात समझ में आ रही. हालांकि वो फ्रिक्शन था तो इसलिए बन गया, इतने छोटे में तो सच में कुछ नहीं हो सकता. क्लियर है कि नहीं. अगर ऐसा होता तो हर घर में एक आयरन मैन घूम रहा होता, क्योंकि इतनी एनर्जी सच में किसी बॉडी में डाल दो इतनी एनर्जी तो बैंड ही बज जाए. यस और नो. सो वो फ्रिक्शन था या एक हाइपोथेटिकल चीज थी, लेकिन एक पॉइंट सच में वैलिड था कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन यस एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड. हमने बोरॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया, नाइट्रोजन को बना दिया, तो इट इज डिस्ट्रॉयड, अनदर इज प्रिपेयर्ड. क्लियर. इवन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर इज इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक गोल्ड एज अ प्रोडक्ट, सोना बना सकते हैं क्या अपन न्यूक्लियर रिएक्शन से. यस, बना सकते हैं. बट न्यूक्लियर रिएक्शन इट्सेल्फ इतनी कॉस्टली है, न्यूक्लियर रिएक्शन इट्सेल्फ इतनी कॉस्टली है कि वो बनने वाला सोना करोड़ों में पड़ेगा. तो इससे अच्छा जाके ऐसे ही ले लो, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने का जो प्रोसेस होता है, मेटलर्जी होती है, वो उसकी कॉस्ट डिफाइन करती है. अगर आपकी मेटलर्जिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट आपको बहुत महंगा मिलेगा. क्लियर है सबको. तो हम बना जरूर सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो मूर्खता कहलाएगी ना. हाँ, है ना. अभी 55,000 समथिंग 10 ग्राम गोल्ड है, तो गो एंड गेट पे 55,000 गेट 10 ग्राम गोल्ड. इंस्टेड मैं 10 ग्राम यूरेनियम लूँ, 10 ग्राम यूरेनियम बाप रे बाप कम से कम 10 करोड़ का पड़ेगा, समझ में. और 10 करोड़ यूरेनियम को मैं रिएक्ट कराऊँ तो वो रिएक्टर बनाऊँ, समझ में. और रिएक्टर बना के 50-100 करोड़ अपन ने फूक दिए, तब जाके मिल के आ रहा है 10 ग्राम यूरेनियम से 10 ग्राम के आसपास गोल्ड. और मैं सबको बोलूँगी यार मेरे अंगूठी है सोने की 100 करोड़ की, लोग मुझे समझ जाएंगे कि ये है. ऐसा नहीं कर सकते ना अपन. तो इसीलिए है ना, अब तुम बोलोगे नहीं, जैसे होता है लोग मिठाई खरीद जाते, हम मिठाई खरीदा इसके ऊपर गोल्ड का वर्क है इसलिए 2,500 की मिठाई है. मिठाई का काम है मीठा करना, मीठा है ना. अब वो लोग बोलेंगे शक्कर खा के भी हो जाओ, नहीं शक्कर में वो मज़ा नहीं आएगा. अब 2,500 की मिठाई है उस पर गोल्ड है, तो तुम गोल्ड थोड़ी ना खा रहे हो, खाओगे तो मिठाई ना, कि कोई अंगूठी चबाते बैठता है. वो दिखाने के लिए प्राइस बढ़ाने उन्होंने गोल्ड का रैपिंग कर दिया, है ना. कोई सिल्वर का रैपिंग कर देता है ना. कुछ लोग ऐसे एल्युमिनियम का ही रैपिंग को सिल्वर का रैपिंग बोल के भेज देते हैं. हमारे देश में तो बस दिखा दो चमक रहा है बेच दो, डन डन. सेकंड लाइन देखो क्या हुआ, द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट बट दे डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट. जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन और कार्बन अलग अलग है ना भाई. ये अलग अलग है. ये सुनो, अब तुम बोलोगे सर इसका क्या एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है आइसोटोप्स. कार्बन के 3 आइसोटोप्स बनाने, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन और नाइट्रोजन भी क्या है उसका भी मास 14 होता है, तो इसका भी मास 14 और इसका भी मास 14. इसने क्या बोला था, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, समझ में. बट आइसोटोप्स आइसोबार्स में ये कहानी फिर से वैलिड नहीं है. तीसरा देखो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं. हमने एक चैप्टर पढ़ा भी है एटम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, याद है कि नहीं. तो हमने कहा था ना जैसे हमको O2 बनाना है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो जुड़ जाएंगे, डायटोमिक, याद है कि नहीं, याद है सबको. ऐसे ही हमें मान लो CO2 बनाना है तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना लेंगे. अब आप बोलोगे सर इसका क्या एक्सेप्शन है, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे आयरन, आयरन का ओर है ये, जैसे रस्ट बोलते हैं ना आयरन ओर FeO, तो
तो हमें क्या लग रहा है कि एक आयरन एक ऑक्सीजन से मिला है, बट एक्चुअली 0.98% एक नहीं, एक से थोड़ा कम आयरन ऑक्सीजन से मिला है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, जब आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो उनके क्या उनके कुछ गैप्स या उनके कुछ क्या वैलेंसीज में इंप्योरिटीज और अदर एलिमेंट आके रुक गए, तो जो परसेंटेज था वो परसेंटेज क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। हालांकि ये बहुत रेयर चीजें हैं, ये क्या है बहुत रेयर चीजें, आप जब एग्जाम में पढ़ोगे तो आप इसको ये 0.98 नहीं लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। समझ में, मैं बताना चाहता हूं कि हम डेल्टन बाबा जो बोले अपन उसको डिसएग्री करता है, हमारे पास प्रूफ है इसलिए हम डिसएग्री करता है। उस समय जब इन्होंने बोला था 19 सेंचुरी में, उस समय कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज सेड बाय डेल्टन एंड ही वॉज अ ब्रिटिश पर्सन, अंग्रेज जो बोलेगा वही होगा, यही हमारे देश का कानून था, हमारे देश का नहीं पूरी दुनिया का। क्लियर? समझ में? नेक्स्ट इज व्हाट, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मैंने अभी अभी आपको दिखा दिया, जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात और है, सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे तुमने लिख दिया H2O, तो दो ये एक ये, ऐसा कोई नहीं बोलेगा गुरुजी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन आधा। मैथ्स मत लगा देना कि सर इसका डबल कर दिया तो यही आएगा ना, नहीं ये वैलिड नहीं है, आपको सिंपल रेशियो रखना है, ये नहीं कि फ्रैक्शन यूज कर रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि बच्चे ऐसे होते हैं, सर ऐसा करते क्या H2O2 तो HO लिख दो ना, 2 कॉमन उड़ा दो, नहीं ऐसा मत करना केमिस्ट्री में। इसीलिए मैथ्स वाले बच्चों को दुख होता है, बायो वाले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि बायो में हर चीज़ उनको एक्सेप्ट ही करनी है। समझे, एक नाक है तो एक नाक है, आर्ग्यूमेंट नहीं करने बैठेंगे, दो कान है तो दो ही कान है, आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठेगा बायो वाला, मैथ्स वाला हर जगह लॉजिक लगा देता है, और सर इसको सिंप्लीफाई कर देगा, क्योंकि उनको हर चीज़ को क्या करने की हैबिट होती है, फैक्टराइज सिंप्लीफाई लॉग लगा दे, नहीं जो लगा लगाए उसकी और मत लगाएं, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि एटम ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते, अगर मॉलिक्यूल भी है याद रखना, हम कई बार कई रिएक्शन में मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, किसकी रिएक्शन कराएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट क्योंकि वो स्टेबल ही है, तो दो मॉलिक्यूल्स पहले टूटेंगे वापस एटम बनेंगे, अनस्टेबल होंगे फिर रिएक्ट करेंगे दूसरे से। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैंने रिएक्शन कराया HCl का, मान लो करा दिया NaOH से, करा दिया, तो अब क्या होगा, ये H और ये OH तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे, पहले ये अलग होंगे, ये H ये Cl अलग, भाई हम अलग अलग हैं, फिर ये Na बोलेगा हम भी अलग अलग हैं, है ना, तो अब ये क्या करेंगे, हम साथ साथ हैं, ये H बोलेगा हम साथ साथ हैं, तो ये बोलेगा हम साथ साथ हैं, तुम गए तो हम जाएंगे, समझ में, तो क्या बन जाएगा, दो पार्टी बन जाएगी, एक बन जाएगी NaCl और एक बन जाएगा H2O, और अगर ये टूटते नहीं तो क्या वापस मिलते हैं, नहीं समझे, यही हो रहा है अभी इस समय हमारे देश की पॉलिटिक्स में, खासकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, एक पार्टी थी वो टूट गई, अब वो आपस में जुड़ नहीं सकते, वो अब दूसरे से जुड़ेंगे और नई पार्टी बनाएंगे, यही होता है जीवन में। क्लियर है? समझ में आ रहा बच्चा पार्टी, क्लियर डन। चलिए, याद रखने वाली बात यह है कि एटम डेफिनेटली डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, सब मतलब होता है अंदर, सो एटम हैज सम एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड व्हाट आर देयर नेम्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अंदर रहते हैं। अब एक कहानी है, ये कहानी आपको समझनी है, ठीक है, और मैं ये समझाऊंगा आपको, लेकिन समझाने से पहले कहानी को थोड़ा सा आपको इलैबोरेट कर दूं, ये कैथोड एक्सपेरिमेंट है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, और उन साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते थे क्या, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्चुअली उनका साइंटिस्ट का नाम था क्रूक्स, तो इसीलिए कई लोग इस ट्यूब को क्रूक्स ट्यूब बोलते थे, सबसे पहले क्रूक्स ने ये शुरू किया था। क्लियर डन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, ठीक है, हम
क्रूक्स ट्यूब या आइंस्टीन या थॉमसन तक डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बताने के लिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, लोगों ने सोचा कैसे कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। और एक बहुत सरप्राइजिंग बात आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी पहले हो गई थी, इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुए। इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण बनती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। एवरीबडी नो, यस नो? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से बनती है ना, यस नो? तो इलेक्ट्रिसिटी सोचो बन चुकी थी, लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज नहीं था। तो कहानी शुरू हुई जब सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये ऑब्जर्व किया। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब थंडर होता है, बिजली चमकती है, तो रात में भी सब कुछ दिखने लगता है। बिजली चमकती है, थंडर होता है, तो रात में भी सब कुछ क्या होता है, दिखाई देने लगता है। तो ये क्यूरियोसिटी मन में डेवलप हुई उनके कि देयर इज समथिंग विच कैन हेल्प अस टू सी थिंग्स एज डे लाइट, कि जैसे दिन में जैसा होता है, समझ में आया कि नहीं? दिन में जैसे अपन को हर चीज दिखाई देती है, ऐसा ही अगर लाइट आ जाए तो रात में भी हमें सब कुछ दिखाई दे सकता है, ठीक है। दूसरी क्यूरियोसिटी ये थी, उन्होंने पाया कि दैट थंडर वॉज फॉलिंग और दोज वॉट लाइटिंग वॉज फॉलिंग ऑन ग्रीन ट्रीज और वेट हाउसेज, जो गीले मकान थे या जो हरे पौधे थे, पेड़ पेड़ थे, उन पर वो बिजली गिर रही थी, सूखे पेड़ों पर वो बिजली नहीं गिर रही थी। तो उनको ऐसा फील आया कि देयर इज समथिंग इन कॉमन इन ग्रीन ट्रीज एंड इन वॉट वेट हाउसेज, जो इस बिजली को अट्रैक्ट कर रही है और कंडक्ट कर रही है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए उन्होंने एक पतंग उड़ाया और पतंग के स्ट्रिंग में, धागे में, उन्होंने अपने घर की चाबी बांध दी। घर की क्या? चाबी। और थंडर जब हो रहा था, आंधी चल रही थी, थंडर, उन्होंने पतंग उड़ाने का प्रयास किया और बिजली चमकी और वो अट्रैक्ट हुई टूवर्ड्स हिज की, और उतनी हीट के कारण की जल गई और ऑब्वियसली पतंग कट गई। तो उनको ये पता चला कि इस सरफेस पर, इस इलेक्ट्रॉन्स या इस मेटल पर देर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वॉट और अट्रैक्टिंग थंडर, है ना, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी सबको समझ में आ गई। उसका बहुत सारी रिसर्च हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, वो सब कहानियाँ बनी। अब कहानी कहाँ आ गई? क्रूक्स ट्यूब पर। क्रूक्स ने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया और नाम भी बोल दिया क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। भाई उसका नाम ही था क्रूक्स, जिसका नाम था उसने अपने नाम से बोल दिया कि जो ट्यूब दिख रही है आपको, इसका नाम क्या है? क्रूक्स ट्यूब। इसकी खास बात क्या है कि ये शॉक रेजिस्टेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो या इसके अंदर शॉक प्रोड्यूस कर सकते हो और वो शॉक बाहर नहीं आएगा, कोई चिपक के नहीं मरेगा। और ये हीट रेजिस्टेंट भी था। क्या था? हीट। ऐसा नहीं कितनी अंदर हीट बन रही है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस बन रहा है और ये कांच पिघल जाए, ऐसा नहीं था, क्लियर है। तो ये एक ट्यूब थी, इसी ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया किसने? आइंस्टीन ने। और उन्होंने उस समय जब एक्सपेरिमेंट किया इस चीज का, तो इसको नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया? क्योंकि इसके अंदर डिस्चार्ज हो रहा है ना, है ना, समझाऊंगा अभी। तो इसका नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और जो उनको ऑब्जर्वेशन मिले, पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनको वो इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दे पाए, उनको उन्होंने बोल दिया कि देयर आर सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। उसी चीज का नामकरण कर दिया सेम प्रैक्टिकल का जे जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके नाम होगी? जे जे थॉमसन के नाम होगी। समझ में आई बात? मतलब बनाया क्रूक्स ने, किया आइंस्टीन ने, रिपीट कर दिया थॉमसन ने, नाम मिल गया थॉमसन को। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? किसी ने पकाया, किसी ने सर्व किया, सामने वाले आके स्टिकर लगा दिया, तो नाम किसका हो गया? स्टिकर वाले का। कहानी समझ में आ रही कुछ? साइंस में ये सब चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये प्रैक्टिकल है क्या? तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो आपको ये दिख रहा है बच्चों, ये ट्यूब दिख रहा है, ये पूरा ट्यूब दिख रहा है, इसका नाम है क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हमने वैक्यूम पंप लगा के सभी गैसेस को निकाल दिया, मतलब इसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो गैस और नो मीडियम अवेलेबल।
याद रखना, मैंने आपको जब रिफ्रैक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस चीज को ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, मतलब जो होगा अपने आप हो, हम कुछ प्रोवाइड करेगा नहीं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। क्या लगाए गए? इलेक्ट्रोड्स। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। ठीक है, यहां पर लगा दिया क्या, इंडक्शन कॉइल, या आप बोल सकते हो बैटरी लगा दिया गया। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट कौन जाएगा, करंट जाएगा, ये याद रखना। क्लियर है? ये आपने दिमाग में रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, यहां इकट्ठा हो गए, बीच में कोई नहीं है, बीच में मैदान खाली है, कोई मीडियम नहीं है। अब ये कितना वोल्टेज था, दिस वॉज अराउंड 10,000 to 15,000 वोल्ट, 10,000 to 15,000 वोल्ट के आसपास का क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग, 4,000 से लेके 5,000 पर हमारी मुंबई की लोकल ट्रेन चलती है, 4,000 से 5,000 वोल्ट पर। 10,000 वोल्ट पर सुपर फास्ट, जो सुपर फास्ट क्या बोलेंगे, ट्रेन होती है, वो भागती हैं 10,000 वोल्ट पर। समझ में आई बात? आप कभी जाओगे तो आपको स्टेशन पर लिखा भी रहता 10,000 वोल्ट, और वो ऐसा एक फोटो बना रहेगा विहांग का ऐसा करके, और लिखा रहता डेंजर, है कि नहीं? अच्छा, तो तेरा फोटो है ना, इसलिए स्माइल बनाया, तू स्माइल करता रहता ना इसके लिए, ठीक है ना? क्लियर है बच्चा पार्टी? डन। तो अब क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का भीड़ है, इकट्ठा है, इधर कुछ भी नहीं है, हाँ है ना? यहां से कितना आ रहा था, 10,000 से 15,000 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एकदम भीड़ है जो धक्का दे रहा है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, और जैसे ये जंप करेंगे इसको कौन कैच कर लेगा, प्लस, क्योंकि जितना ये निगेटिव है उतना ही वो, समझ में, उसको चाहिए, आओ आओ, ये गए, उन्हें लपक लिया। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी जाती हुई क्या दिखने लगी, रेज। अब तुम बोलोगे सर मीडियम तो था नहीं उसके अंदर, तो जाते हुए कैसे दिखाई दिया, इसके अंदर जिंक सल्फाइड, कौन सा, जिंक सल्फाइड का एक पेस्ट या कोटिंग कर दिया कांच पे। जिंक सल्फाइड एक ऐसा एलिमेंट है, जब उस पर कोई चीज टकराती है तो उस पर ल्यूमिनिसेंस, मतलब चमक या शाइन आता है। क्या आता है, चमक या शाइन आता है। तो जब ये शाइन हुई तो उनको जाता हुआ ये पाथ दिखाई दिया। अब ये कहां से जा रही है, नेगेटिव से, किधर जा रही है, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर नेगेटिव होगा ना, हाँ है ना? अच्छा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड, है ना? दीज रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, दैट इज वाई इसको क्या बोला गया, कैथोड रे, है ना? बिकॉज दे आर गेटिंग ओरिजिनेटेड एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड, है ना? अभी नेगेटिव पर बन रही है, नेगेटिव नेचर का है, क्यों, क्योंकि प्लस की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये सीधे सीधे जा रही है कि घूम फिर के जा रही है, सीधे सीधे जा रही है, इसका मतलब दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन अ, इतना तीन चीज क्लियर हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, क्या यहां पे कोई मीडियम है, सो दैट मींस दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू, दे कैन इवन ट्रैवल विदाउट मीडियम, दैट इज द रीजन जब सन से लाइट आती है, सन से लाइट भी इसी फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में आती है, कई जगह मीडियम नहीं होता फिर भी लाइट हम तक पहुंच जाती है। समझ में आई बात? तो लाइट को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो श्यावर रामचंद्र की जाए। यस और नो? क्लियर? अब इंटरेस्टिंग कहानी देखो ध्यान से, हमने यहां पर एक क्या रख दिया, एक चक्री रख दी, चक्री समझते हो क्या होता, चक्री जो ऐसे रोटेट होता, लट्टू है ना, ठीक है, जो गोल 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 घूमता है, हमने जब इसको रखा इसके बीच में तो क्या हुआ, वो जोर से घूमने लगा, कोई चीज मूव करती है तो उसको क्या लगती है, एनर्जी लगती है, उसको एनर्जी कहां से मिली, इन रेज से मिली, मतलब इन रेज में क्या है, एनर्जी है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैव हाई एनर्जी विद देम, दे हैव हाई एनर्जी विद देम। क्लियर है? लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी से बन रहे हैं,
है ना, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है क्योंकि जब बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये जा रही है लाइट, है ना, तो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। क्लियर है यहां तक? अब एक और कहानी तुम लोग जान के एकदम खुश हो जाओगे, बड़ा मजा आएगा। इसमें एनर्जी थी, इसमें क्या थी, एनर्जी। अब क्योंकि इसमें एनर्जी है तो उस एनर्जी के लिए कुछ साइंटिस्ट लोग जो थे उस टाइम पे, उन्होंने इसके बीच में कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट रखना शुरू किया। जैसे वो एलिमेंट रखते थे, इतनी ज्यादा एनर्जी जा रही है ना, ये तुम ऐसे समझो कि वेल्डिंग वाली मशीन जैसा है, इतनी ज्यादा, उससे भी ज्यादा एनर्जी निकलती है। सोचो सोचो कितना बड़ा हैवी स्पार्क होता है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं, एकदम थंडर निकल रहा है ना यहाँ पे। तो उतनी एनर्जी के कारण यहाँ पर बीच में कुछ एलिमेंट रखे, वो एलिमेंट क्या हो गए, मेल्ट हो गए। क्या हो गए? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉन्टजन, नाम सुन लो, क्या नाम था, रॉन्टजन, विलियमसन रॉन्टजन नाम था। तो रॉन्टजन को गुस्सा आ गया, ये क्या हो रहा है यार भाई, मैं कुछ भी रख देता हूँ वो क्या होता है, पिघल जा रहा है, हाँ मेल्ट हो जा रहा है। तो उन्हें गुस्से में यार टंगस्टन रख दिया, क्या रख दिया, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट नियरली 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो पिघलने वाला था नहीं, समझ में। तो जब उन्हें टंगस्टन रखा, मैं आपको बताऊँ टंगस्टन के फिलामेंट बनते हैं, क्या बनते हैं, हाँ जो आप बल्ब यूज करते हो ना, उसके फिलामेंट भी बनते हैं, किसके, टंगस्टन के। क्लियर है कि नहीं? तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। तो भाई साहब जैसे ही उन्होंने रख दिया, तो ये अब देखो कहानी, अब मैं कलर थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये रेस जा रही थी, इससे ये टकराई, है ना, ये रेस जा रही थी, इससे ये रेस टकराई, और टकराने के बाद एक चिंगारी से अलग अलग तरह की रेज निकलना शुरू हुई, समझ में। लोग पूछे किससे, तुम कर रहे हो तो तुम ही बताओ, भाई जो करेगा उसी से पूछेंगे ना। तो रॉन्टजन से बोले, अबे भैया क्या बना रहे हो ये तुम, ये क्या चिंगारी निकल रही है। उसको समझ में ही नहीं आया, किसको, रॉन्टजन को, उसको समझ में नहीं आया। तो अपन लोग क्या है, अपन साइंस वाले लोग हैं, जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो क्या बोलते हैं, सपोज इट इज एक्स बोलते हैं ना, मैथ्स मैथ्स में अपन कोई सॉल्व करते बोलते ना, सपोज इट इज एक्स, तो उसका नाम पड़ गया एक्स रे। क्या नाम पड़ गया, एक्स-रे। तो जो आप लोग एक्सरे देखते हो वो एक्सरे, एक्सरे सच में, तुम लोग कहां से आ रहे हैं, 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी अगर कुछ है साइंस में तो वो एक्सरे, और वो कैसे हुई, तुक्के में। इनको खुद को नहीं पता था, नोबेल प्राइज मिला इनको, क्या मैं बनाया, एक्सरे। सोच के देखो एक्सरे का नाम कैसे पाया, अगर उनको एहसास होता कि भैया ये एक्सरे बना रहा हूं मैं, तो अपना नाम के साथ डाल देना रॉन्टजन रे। अब लोग छोटा सा काम कर देते हैं, महिंद्रा वाला गाड़ी बेचता, हर जगह महिंद्रा लगा देता, आगे भी महिंद्रा पीछे भी महिंद्रा, टाटा वाला बेचा टाटा लगा दिया, लोग गाड़ी बेच रहे हैं, पेन, अभी जिस कंपनी का उसने पेन लगा में नाम लिख दिया, घड़ी वो पहना उसमें नाम लिख दिया, सब पे नाम लिख देते हैं लोग, हाँ ना। इसने तो इतना बड़ा काम किया, नोबेल प्राइज मिला, तो नाम नहीं लिख सकता था अपना, लिख सकता था, उसको पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है, तुक्के तुक्के मर गया, बोल दिया उसने, हाँ भैया हम किया। तो इसे क्या नाम बना, एक्सरे नाम बना। और आपको जान के हैरानी होगी, एक्सरे जब शुरू शुरू बना तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा प्रैक्टिकल करना है, धोखे से ट्यूब फट गई तो, समझ में। पहले जो टीवी आते थे सीआरटी मॉनिटर्स, बड़ी टीवी, उनमें भी यही सिस्टम रहता है, ये कैथोड रे बनती है उसके अंदर, इसीलिए जो पहले होते थे ट्रांसफॉर्मर रहते थे, टीवी को उठाने के लिए दो दो लोग लगते थे। ये तो अभी एलईडी टीवीज हैं ये सभी जो आप देख रहे हो, पहले क्या होते थे, वो सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, उन सब में कैथोड रे होती थी। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता था, एसी करंट से डीसी करंट बनाता था, डीसी को भी क्या करता था, कैथोड रे में डालता था, और कैथोड रे में ये रे बनती थी। तो पहले क्या होता था, जो बिजली वाले लोग होते ना, जो टीवी रिपेयर करते थे, रेडियो रिपेयर करते थे, उन लोगों की जान भी चली जाती थी, जैसे उनने सोने की चेन या कुछ चेन इन पहनी है या ब्रेसलेट पहना है, और वो होशियारी में काम कर रहे हैं, और उसमें क्या होता था, कैथोड रे पूरा चार्ज रहता था उसके अंदर, धोखे से वो करंट इंड्यूस होकर उनके ब्रेसलेट में या चेन में आ जाता, चिपक के वहीं स्पॉट पे डेथ, कोई बचा ही नहीं सकता था ना, क्योंकि इतना हैवी शॉक है, नहीं समझे। ये है ना, ये एक्सपेरिमेंट ने कितनों की जान ली है मैं बता नहीं सकता, समझ में आया, ये बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। तुम सोचो ना, जो जिसपे ट्रेन चल रही है वो भी
जो ट्रेन चल रही है वो किस पे चल रही है, अल्टरनेट करंट, एसी है 5000, अल्टरनेट करंट है 5000, डीसी करंट सोचो क्या कर देगा, उधर दूर से चीज को चिपका लेगा अपनी तरफ, डायरेक्ट करंट चिपका लेता है, अल्टरनेट करंट फिर भी ऐसे ऐसे कर देता है। समझ में आया कि नहीं, बात सबको समझ में आ रही है? अगर आप कभी लाइट को देखोगे ना, लाइट को, आपके घर के बल्ब की लाइट को, तो आपकी लाइट ऐसे 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 होगी कैमराज में जब आप रिकॉर्ड करोगे, अगर लोअर शटर रखोगे तो, है ना, कैमरा में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अल्टरनेट करंट है। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन वो इतनी तेजी से होता है कि हमको चमक ही दिखती रहती है, डायरेक्ट करंट में ऐसा ऐसा नहीं होता, वो ऐसे ही बना रहता है। समझ में आया? तो सोचो 5000 का डायरेक्ट करंट या 10000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट, हॉरिफाइंग है, मतलब इतनी दूर से चिपका के जान ले ले, तो उस उतना वोल्टेज इस ट्यूब में डाला है, सोचो। तो इसलिए बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट था, क्लियर? लेकिन साइंटिस्ट लोग कर सकते थे। सबको समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबको समझ में आ गया? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैथोड से बनते हैं, इसलिए उनका नाम कैथोड रहे, एनोड की तरफ जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्या है? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या शो करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे, हाँ है ना, ठीक है ना? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो दिख रहा है, ये प्लस माइनस दिख रहा है तुम लोगों को, ये पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। देखो ये माइनस है, ये नेगेटिव है ना, ये क्या है? तो जब हमने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगाया? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो देखो ये ऐसे जा रहे थे, अट्रैक्ट हो गए, हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं? इससे प्रूव हो गया भैया इसमें इलेक्ट्रिक नेचर है, और मैग्नेटिक तो हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे ये हटा के तुम यहाँ पे क्या मैग्नेट लगा दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो भी आपको क्या डिफ्लेक्शन शो होगा। क्लियर है सबको बच्चा पार्टी? सो दे आर व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बात आती है कि सर ये तो हो गया, ये किसके नाम पे चलेगी डिस्कवरी? जे जे, कोई पूछेगा तो उसको पूरी कहानी मत बताने लगा, हमारे सर तो पूरा बताया, हम पूरा बताएगा नहीं, सीधे जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर? अब बात आती है प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया। प्रोटॉन की डिस्कवरी और इंटरेस्टिंग थी, उसने नहीं किया, उसको आइडिया नहीं था। किसने की डिस्कवरी? प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। अब गोल्डस्टीन ने कैसे किया, वो भी तुक्का था। अब वो क्या तुक्का था कि एक तो एक्सरे डिस्कवर हो चुकी थी, है ना, ये पता चल गया भैया एक्सरे कैसे बनी। तो गोल्डस्टीन ने सोचा अब इसके अंदर मैं गैस डाल दूं, तो पहले तो गैस, अब क्या आ गई? गैस रहेगी तो क्या रहेगा? एक मीडियम बन गया, है ना, तो ज्यादा वोल्टेज देने की जरूरत नहीं। पहले मीडियम नहीं था इसलिए हमने 5000 10000 दे रहे थे, अब 1000-2000 में भी काम चल जाएगा। यस और नो? क्लियर है यहां तक? लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? ये ट्विस्ट को समझना पड़ेगा बच्चों, ऐसे नहीं होने वाला काम। ट्विस्ट ये था कि कोई भी एटम, कोई भी एटम को जब आप क्या दे देते हो? एनर्जी दे देते हो। क्या कह देते हो? याद रखना, एटम को एनर्जी नहीं चाहिए, एटम को एनर्जी, क्योंकि जैसे आपने एटम को एनर्जी दिया, एटम एकदम अनस्टेबल होता, भड़क जाता है एकदम, है ना, और जैसे अनस्टेबल होगा अपने इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के फेंकना शुरू कर देता है। समझ में? एनर्जी इन, इलेक्ट्रॉन आउट, इलेक्ट्रॉन इन, एनर्जी भूलना मत। समझ में? उसको तुरंत लगता है अरे साला इतना एनर्जी यार, जा रहा इलेक्ट्रॉन, तू भी जा। होता है ना कुछ 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 लोग जो थोड़ा सा पैसा आ जाता है अचानक, उनकी भावनाएं ऐसी हो जाती है, आ साला अब दुबई जाएगा बाल कटाने, बुर्ज खलीफा पे चढ़ के नाचेगा। होता है ना, वैसे होता है। एटम भी बेचारा ऐसे भावुक आदमी है, एटम भावुक एकदम, एनर्जी आया उड़ना शुरू, इलेक्ट्रॉन चल निकल। समझ में? तो जैसे ही एटम को क्या मिलता है, तो सीधे इलेक्ट्रॉन को बोलता है इलेक्ट्रॉन बाहर, और वो खुद क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। और इलेक्ट्रॉन को बोलता है भैया बाय, गेट लॉस्ट। समझ में आई बात? ये आयन समझ में आया सबको? अब चक्कर क्या था कि जो तुमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, याद आ रहा है कुछ? अब यही बात गोल्डस्टीन को समझ में आ गई। गोल्डस्टीन ने कहा भाई यहां से यहां अगर मान लो मैंने इसके बीच कोई एटम रख दिया, लेट से मैंने हाइड्रोजन ही रख दिया, क्या रख दिया? हाइड्रोजन। अब यहां से जब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, याद आ रहा है कुछ?
तो जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा तो एनर्जी से ये क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा। तो ये तुरंत क्या करेगा, H प्लस बन गया और इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो निकलो, हाँ है ना। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये जो H था ये एक्चुअली ब्रेक हो गया, किसमें ब्रेक हो गया, H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना। यस टेल मी वन थिंग, ये H, अच्छा ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये प्लस है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये सुनो इनमें से कौन कहां जाएगा, ये एच जाएगा इसकी तरफ, ये जाएगा इसकी तरफ। वैसे भी कैथोड रे इसी तरफ जा रही थी, हाँ है ना, हाँ है ना, लेकिन ये इधर जाएगा तो कैसे पता चलेगा, ये इधर जाएगा तो कैसे पता चलेगा। तो गोल्डस्टीन समझदार था, गोल्डस्टीन ने यहां पर लगा दिया जिंक सल्फाइड की कोटिंग। क्या बताया था मैंने जिंक सल्फाइड का, ल्यूमिनस होता, टकराएगा तो शाइन आएगा। अच्छा अब कोई बोलेगा सर टकराएगा इसमें, इसमें टकराएगा ना, टकराएगा तो कैसे उस तरफ जा पाएगा। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, एकदम छेद छेद इसके अंदर छेद बना दिए, क्या बना दिए, छेद, छन्नी जैसा छेद बना दिया, छोटे छोटे परफोरेटेड डिस्क लगा दी। पहले डिस्क सीधी थी, कोई परफोरेशन नहीं था। तो इन्होंने तीन चेंज किए, पहला चेंज गैस डाल दी, दूसरा चेंज पीछे जिंक सल्फाइड का कोट कर दिया, तीसरा परफोरेटेड डिस्क लगा। अब जैसे हाइड्रोजन इधर गया तो इधर पे क्या आएगा, क्या होगा, ग्लो होगा, यस और नो। और इसी का नाम इन्होंने क्या बोल दिया, एनोड रे, क्या नाम बोल दिया, समझ में। वो क्या थे, कैथोड रे, ये क्या है, वो जाता था नेगेटिव से, ये कहां जा रहा है, पॉजिटिव से। अब ये पॉजिटिव से जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दिमाग लगाना, पॉजिटिव से negative. तो इसका खुद का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है तभी जा रहा है ना, यस और नो। अब लोग बोलोगे सर ये तो ठीक है, बट वाई प्रोटॉन, इससे प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के वह इकलौता ऐसा आइटम है हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में विच डू नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, समझ में। उसके आइसोटोप्स में होता है अदर बात, बट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, तो बस कहानी किसके लिए चली गई, ये क्या बन गया, एनोड रे। तो ये जो H प्लस आपको दिख रहा है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा था, समझ में आई बात। अच्छा अब ये बात फिर जो हुई है, इसका क्या क्या नेचर था, positive. ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी सीधा जाएगा, इसमें भी एनर्जी होगी, इसको भी ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम की मीडियम की जरूरत नहीं है, सब हो गया। बस एक चीज रह गई, क्या, ये इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन का हो जाए, सोडियम का हो जाए, पोटेशियम का हो जाए, कैल्शियम का, किसी का भी एक जैसे ही रहेगा, हाँ है ना, मतलब कैथोड रे का नेचर बदलने वाला नहीं। लेकिन ये क्या है, ये तो आयन है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में प्रोटॉन थोड़ी ना है, हाँ है ना, तो इसका नेचर बदलेगा। हाइड्रोजन हल्की गैस थी, फट से चल दी तो ज्यादा चमक आ रही, तुमने कोई भारी गैस ले ली तो क्या होगा, तो उसका नेचर अलग होगा, उसमें कलर अलग आएगा, उसका यहां पे जो अमाउंट ऑफ शाइनिंग है वो अलग होगा। तो एनोड रे का नेचर किस पे डिपेंड करता है, गैस टेकन इन द ट्यूब, कैथोड रे में ये डिपेंड नहीं करता। बस याद रहेगा, ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है कि एनोड रे डिपेंड्स, एनोड रे में क्या है, स्पेसिफिक है, क्या है डिफरेंट फ्रॉम कैथोड रे, समझ में। सो एनोड रे शोज डिफरेंट नेचर अकॉर्डिंग टू द गैस टेकन इन द ट्यूब, क्लियर है। इसीलिए कैथोड रे को हमने क्या नाम दिया था, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे को ना हमने क्या नाम दिया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यस और नो। इसको बोलते हैं कैनाल ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैनाल क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये एक ट्यूब के अंदर है ना, इसको एक कैनाल ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूज होने का नहीं, क्लियर सबको। अच्छा अब तुम लोग बोलोगे सर फिर भी आपने अभी तक ये नहीं बताया कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, किसने की थी, अब मैं तुमको एक बड़ी अच्छी कहानी बता रहा हूं, ये भी तुक्के में हुआ।
ये बहुत फनी लगता है, तुम लगता है अच्छा सर कहानी बता दो, आपको अच्छा लगता है कहानी सुनाना इसलिए, नहीं रे बाबा ये सच है, ये तुक्के तुक्के में हुआ। तुम लोगों को याद होगा बचपन में तुम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, ठीक है, तुम लोगों ने प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था, मैं आज भी पढ़ाऊंगा जे जे थॉमसन का, फिर तुमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, फिर बोर मॉडल पढ़ा था ना, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत अगर याद हो, ठीक है, तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन इतना याद रखो कि एक जमाना बना, क्या बना, एक जमाना, लोगों को रेडियो एक्टिविटी की पता चल चुकी थी, पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी हस्बैंड वाइफ थे जिनको फादर एंड मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, दोनों की डेथ भी रेडियो एक्टिविटी से हुई थी, दोनों को कैंसर हुआ था एंड अल्टीमेटली दे लॉस्ट देयर लाइफ, उनको मरने के बाद उनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था 1906 या 7 में शायद उनकी डेथ हुई थी, और सोचो उसके बाद ही एटॉमिक बॉम्ब बना भी और वो यूज भी हो गया हिरोशिमा नागासाकी पे, मतलब 20-30 साल में, मतलब लोगों को पता चल गया क्या है, फिर साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ तो बम बना के निपटा भी दिया, समझ में आया कि नहीं, समझ में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बम बन गया सब फूट फाट गया, लेकिन लोगों को न्यूट्रॉन का नॉलेज नहीं था। रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ा कातिल खतरनाक कौन है, न्यूट्रॉन, ठीक है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या हुआ, एक जैसे अभी तुमको बताया क्रूक्स ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन ने रिपीट किया, थॉमसन ने मचा दिया, उसके बाद होते ही चले गए रॉन्डन रॉन्डन सब करते चले गए, हाँ है ना, दे ऑल वर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यस, पर चक्कर क्या था, किसी को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, न्यूट्रॉन किसी को मिल ही नहीं रहा, है ना। अब क्या हुआ, वही जमाना आ गया रदरफोर्ड वाला, रदरफोर्ड ने एक और मचा के रखा था अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट, कुछ भी मिलता था अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट, दोनों गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट करके एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना दिया। अब एक रूल चल गया ना किसका, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बर्ड करो, एक बार सब सीख जाते हैं लोग, हम बहु करेगा, इनके पास भी पहुंची बात, तो सब लोग खेल रहे थे, ये भी खेलना शुरू किए, तो इनने खेलने के लिए ले लिया बोरॉन, क्या ले लिया, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एटॉमिक मास होता है 11, और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, उसके अंदर 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है और 4 का मास होता है, चार्ज 2 के बराबर होता है, मास 4 के बराबर होता है, समझ में आएगी नहीं, मतलब भारी पार्टिकल है, इन शॉर्ट ऐसा समझो, डन। तो उनने उठा के अल्फा पार्टिकल दे मारा इस पे, समझ में, जैसे इन्होंने किया तो एक नया एलिमेंट बन गया, है ना, नहीं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर तो 7 था, 5 to 7, लेकिन मास था 14, 11 और 4 कितना होता है, ये 14 है, तो एक और पार्टिकल बना जिसका चार्ज तो 0 था लेकिन मास 1 था, देखो 5 और 2, देखो 7 है नीचे, और 11 और 4, 14 और 1, मतलब ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने लिखी, यस सुनो, यस। अब ये जो बना, अब पूछे लोग बताओ क्या है, डर गया भाई चढ़ू, बोला अरे क्या बवाल कर दिया हम, तुम मार रहे तो कुछ नहीं, हम मारा तो बैंड बज गया। अब जैसे ये बना, क्या ये पार्टिकल बना, लोग बोले बताओ बताओ क्या बना है तुम बताओ, उसको नहीं समझ में आया, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखता हूं, उसने क्या लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कुछ हुआ ही नहीं, सीधे सीधे चला गया, उसको समझ में नहीं आया, उसने रुको 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 रुको, मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, क्या लगाता हूं, फिर कुछ नहीं हुआ, अब उसकी गई भैंस पानी में। अब लोग बोले बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, प्रोटॉन आ चुका है, ये क्या है, तो बोला भाई देख मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रहा है ना, सो इट्स अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, लेट्स से इट्स अ न्यूट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चल चुके, तो ऑन तो चल ही रहा था, तो न्यूट्रॉन ऑन न्यूट्रॉन, ऐसे ये डिस्कवर हो गया, समझ में। मजेदार बात ये थी कि ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई उसके बाद ही जाके एटॉमिक बम बना, याद रखना, अगर ये ना डिस्कवर हुआ होता, क्योंकि ये क्या है, ये तुरंत जाके न्यूक्लियर बॉम्ब को या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ये तुरंत एक्टिवेट कर देता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो सेल्फ डिकेइंग होते हैं, जो अपने आप डिके होते रहते हैं, भूलना मत, आज अगर 100 ग्राम है तो आने वाले कुछ सालों बाद धीरे धीरे 50 ग्राम फिर 25 ग्राम ऐसा करके खत्म होता चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जितने भी ये पार्टिकल है रेडियो एक्टिव पार्टिकल, वो सेल्फ डिकेइंग होते हैं, कैसे होते हैं,
सेल्फ डिकेइंग। अब चक्कर क्या है कि सेल्फ डिके होंगे तो धीरे धीरे होंगे, सेल्फ डिके होंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रेडिएशन निकाल रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या करना है, उसको एक साथ खत्म करना है, तो उसके लिए दो रूल लगते हैं। या तो तुम उसका क्रिटिकल मास बना दो, क्या बना दो, क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास वो होता है जो एक साथ रख देने पर वो अपने आप फट जाए बॉम्ब, समझ में। तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का क्रिटिकल मास 1 kg होता है। अगर तुमने एक साथ 1 kg यूरेनियम रख दिया, फट जाएगा वो, फिर तुमको ये नहीं है कि तुम कुछ और करो, बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए 1 kg यूरेनियम तुम कहीं एक साथ मिलेगा ही नहीं दुनिया में, वो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह रखें, क्योंकि एक साथ रख दिया तो सियावर रामचंद्र की जय, समझ में आया कि नहीं, समझ में। तो लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, बड़ा नालायक आदमी है। तुम्हारे पास 10 g भी होने दो, 10 g छोड़ो, 1 g भी होने दो, उठा के न्यूट्रॉन पटक दो इसके ऊपर, वो तुरंत फटना शुरू, समझ में आया कि नहीं। तो एक न्यूट्रॉन कैचर्स होते हैं, जो तुमने देखा ना कि एटॉमिक बम का परीक्षण हुआ, तो परीक्षण होता है छोटी जगह ही खत्म होती है, वहीं परीक्षण हो रहे हैं, वहीं रेडिएशन है, होता है ना, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। बच्चा सोचता है ना मन में कई बार, अरे यार बम जब टेस्ट कर रहे तो ऐसा क्यों, बम फट जाए और दूर दूर तक फैल जाए, क्यों, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करके टेस्टिंग हो जाती है। फिर पता चल जाता भाई 1 g में इतना कहर, तो 100 g में कितना कहर, तो 1000 g में कितना ज्यादा कहर मचने वाला है, ऐसे परीक्षण होते हैं, समझ में। बच्चा सोचता है ना, टेस्टिंग तो कर रहे थे, तुम मिठाई खरीदने जाते हो, तुमको थोड़ा टेस्ट करा देना कि पूरा 1 kg खिला देते हैं, समझ में ना, होता ना। बच्चे सोचा, जैसे हम जब छोटे थे सोचते, अरे यार बम फटा, वो समुद्र में एक छोटी सी लहर आई, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं पूरा देश मिट जाएगा, दुनिया मिट जाएगी, क्योंकि वो जो टेस्ट करते हैं वो मुश्किल से मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम, या बहुत हुआ तो 1 g में निपटा दिया उनने, है ना। लेकिन जब किसी को निपटाना है तो 1 g में थोड़ी निपटाएंगे, हाँ साला फूंक देगा। जैसे हम लोग जब छोटे थे ऐसे बोलते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब क्या बनाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब परमाणु परीक्षण किए थे, तो हम सब लोग जब छोटे थे उस समय, तो हम लोग ऐसे आज ही फोड़ देगा ना, पाकिस्तान मिटा देगा, ऐसे होते बच्चों में अलग ही उत्साह, 5 फोड़ दिया खत्म, पाकिस्तान नक्शे से गायब। अच्छा ये नहीं समझ में आता कि वो भी तो फोड़ सकते हैं, उनने के खेलने के लिए बनाया, लेकिन उत्साह तो क्या हुआ, 5 वो अपन कार्टून वाले जमाने के लोग हैं ना, तो कार्टून में क्या होता, बम आता था तो उधर से रैकेट से मार देता था, बम उधर ही चला जाता था, तो हम लोग सोचते थे 5 वो फेंकेगा, 5 हम फेंकेगा, 5 से 5 टकरा जाएगा हवा में, फिर हम एक 6 फेंक देगा, वो 6 जाके लैंड हो जाएगा स्वाहा, ऐसा मन में चलता रहता था जब मैं छोटा बच्चा था, ऐसे फालतू सोचता था। ऐसा नहीं है कि बचपन से टीचर बन गए, नहीं, बचपन में ऐसे ही थे, मैं थोड़े से तुम लोग से अच्छे थे, तुम लोग तो अलग ही लेवल में बचा रहे हो, समझ में आया कि नहीं। तो वो क्या होता था, एक कहानी बन जाती थी कि हाँ ऐसा होगा, समझ में आया सबको। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि किसी के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी ना हो, और इनको भी इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, समझ में, इस चमत्कार का भी नमस्कार मिला था, समझ में आया सबको, क्लियर है। अब बच्चा पार्टी, हमने तीनों चीजें ढूंढ ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यस और नो, किसी को समझ में तो नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, अच्छा तब तो ठीक है, फिर समझ में आ रहा है तब ठीक है, नहीं आ रहा, देखो इन्होंने बताया भी है कि हाइड्रोजन के ऊपर, सबसे पहले देखो मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 1.672 × 10⁻²⁴ होता है, क्लियर। ये AMU भी है, एटॉमिक मास यूनिट भी है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, डन। अब बात है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद, बच्चों अब आ गया, गुरुजी आपने तीनों चीजें बता दी, याद करो थोड़ी देर के लिए, थॉमसन के टाइम पे क्या नहीं था, न्यूट्रॉन नहीं था, यस और नो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत लेट हुई ना, यस और नो, तो थॉमसन के पास तो था ही नहीं न्यूट्रॉन का आइडिया, ही नहीं था बेचारे को। तो पहला मॉडल जो बना, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पता है क्या तुम लोगों को, जिसको प्लम पुडिंग नहीं पता हो ना, हमारे देश में बच्चे बोलते हैं सर प्लम पुडिंग क्या है, खीर पता है, खीर, खीर में काजू बादाम डालते हैं, खीर इज प्लम, काजू बादाम इज पुडिंग। अगर किसी ने खीर और काजू बादाम नहीं खाया तो उसको और भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, समझ में। वाटरमेलन देखा है सबने, वाटरमेलन, ठीक है, तो मान लो ये आपके सामने वाटरमेलन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि इनके टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं, अब क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी इसलिए बेचारे ने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी बोला नहीं, और ये भी इनका एक फेलियर था, ठीक है। अब चक्कर क्या है,
उन्होंने बोला किन्होंने, जे जे थॉमसन, जॉनसन जॉनसन सुना है, उनके बड़े भाई थॉमसन, देखा है मुझे पता था कोई ना कोई जरूर, सच्ची में नहीं रे बाबा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा वो ये नहीं बोला मैंने थॉमसन टीवी सुनी है, इन्हीं की है मैं ये बच्चों का है थोड़ा समझ है। तो ये क्या है, थॉमसन मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है, तेरा मेरा मिलन नहीं, क्या वाटरमेलन, मैं मेलन बोल रहा हूँ, मिलन ना सोच लेना जमाना खराब। तो ये क्या है, वाटर मेलन, वाटर मेलन का जो रेड पार्ट होता है उसको उन्होंने बोला वो प्रोटॉन है, क्या बोल दिया उसको प्रोटॉन। और उन्होंने बोला जो बीज है, सीड्स हैं, दे आर लाइक व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। सुन के बड़ा अच्छा लगा, सुन के बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से सोचना, इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए रहते हैं कि मूविंग है, तो सीड्स, अगर ये सीड्स हैं, इलेक्ट्रॉन सीड्स हैं, तो क्या मूविंग होंगे कि रुके हुए होंगे, रुके होने चाहिए, है ना। तुमने वाटरमेलन खोल के सबने खा के देखा है, तो सीड्स रुके हुए होते हैं, किसने देखा है सीड्स भाग रहे हैं। तो इनने बोला, मतलब पहली बात गलत, दूसरी बात इनने बोला कि प्रोटॉन पूरा रेड है, प्रोटॉन पूरा रेड है, और जब सीड हम निकालते हैं, जब भी हम वाटरमेलन से सीड निकालते हैं तो हम किसको डैमेज करते हैं, रेड पार्ट थोड़ा बहुत डैमेज होता है, होता है कि नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विदाउट इवन डैमेजिंग रेड पार्ट आप सीड्स निकाल लो, हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कोई बोला हाँ हम हो जाता है, हम उंगली डाल के निकालता है नहीं होता है ना, बच्चे सन की, देर आर सम सन की बच्चा बोला हाँ करके दिखाएगा आज ही जाएगा, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा मतलब एक्सेप्टेड, थोड़ा बहुत डैमेज होगा। हम जितनी भी रिएक्शंस कराते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता ही है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, या सुनो, कभी ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, प्रोटॉन डैमेज होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, हमने कोयला जला रहे थे, कोयला जलाया तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और आग लगी, ये सुनो, कभी ऐसा होता है क्या, कार्बन न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया और बॉम्ब की तरह फट गया, नहीं हो सकता ना। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत एनर्जी होती है, ऐसा आ करके मत देखो। केमिकल रिएक्शंस अगर 1% है तो 100,000% है क्या न्यूक्लियर रिएक्शन, या उससे भी अबव, इतनी एनर्जी डिफरेंस होता है, समझ में आई बात की नहीं, क्लियर है। तो इट इज अगेन इम्पॉसिबल टू व्हाट, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विदाउट डैमेजिंग प्रोटॉन एज पर थॉमसन बाबा, है ना, बट हमें पता है वी कैन ईजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे ऐसे करते हो, पेन ऐसे से रगड़ते हो, बन जाता ना, आपने ऐसे ऐसे रगड़ा और कागज चिपकने लगते हैं, आप ऐसे ऐसे करते हो तो क्या होता है, अभी अभी बताते ऐसे रगड़ोगे तो क्या बनेगा, हीट बनेगी, एनर्जी बनेगी, एनर्जी का दुश्मन कौन, इलेक्ट्रॉन, जैसे ही करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या बन गया, जो कागज आगज गिरे हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए क्या नहीं लगता, कागज में चिपकने लगता है, समझ में आई बात, क्लियर है सबको। तो इसलिए ये मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, न्यूट्रॉन के बता नहीं रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बोला वो भी क्या है, गलत है, तो हमने बोला निकलो भैया तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे थे हम, बोल दिया हमसे नहीं चाहिए, हमको नहीं हो सकता, हैं, है कि नहीं भाई, हैं। अब ये आ गए थॉमसन बाबा, सॉरी रदरफोर्ड, कौन आ गए, अब जब कोई गलत होता है, दुनिया का उसूल है क्या, जब कोई गलत होता है उसको सही करना है, हाँ, समवन लॉस इज समवन गेन, ये दुनिया का उसूल है, नो वन इज गुड नो वन इज बैड, कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है, ये उसूल है, जिसके लिए तुमको लग रहा ना इसने गलत किया वो किसी और के लिए सही होगा, तुम्हारा 10 का नोट गिर जाए किसी को मिल गया तो योर लॉस इज समवन्स गेन, तुम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करोगे आईआईटी में नहीं जाओगे, कोई दूसरा जाएगा, क्योंकि जो अच्छा पढ़ रहा है, समझ में, तुमने पढ़ाई नहीं की तुम्हारी फर्स्ट रैंक नहीं आई, किसी की आएगी जो अच्छी तरह पढ़ रहा है, तो ऐसा सोचने करें कि दुनिया में हर चीज कॉन्स्टेंट है, नहीं, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स एंड डिजायर टू गेट समथिंग, आपकी करने की इच्छा और आपका मन शक्ति जितना मजबूत है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो जब वो शब्द जुड़ा था चाहिए तो चाहिए तो आपको मिल ही जाता है, समझ में, तो बस यही तो कहानी है। अब चक्कर क्या है, रदरफोर्ड का जमाना, रदरफोर्ड कौन से वाले थे याद है, अल्फा पार्टिकल, याद है कि नहीं, बम्बार्डमेंट, तो इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया,
गोल्ड क्यों लिया? गोल्ड की मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गोल्ड को आप बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इतनी पतली एटॉमिक लेवल तक पतली, एकदम पतली शीट्स बना सकते हो, समझ में? हाँ भाई, शीट्स मतलब वही वर्क, वो क्या वर्क बोलते हैं ना मिठाइयों पे लगाते हैं, वो सब शीट्स ही है वो, समझ में? क्लियर? क्योंकि उसको पीट पीट के एकदम पतला 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 शीट्स बना सकते, किसका? गोल्ड फॉइल का, ठीक है? इन्होंने ले लिया गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल एकदम एटम के लेवल तक छोटा कर दिया। अब यहां से इन्होंने क्या फेंकना शुरू किया? अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो यहीं पे समझा रहा हूं क्योंकि आगे मजा आने वाला है, ठीक है? तुम लोग खुद देखो कुछ पार्टिकल्स कैसे चले गए, एकदम सीधे। मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को जब मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था? अगर तुम सीधे सीधे जा रहे हो इसका मतलब बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। तो इन्होंने बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है, अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है मतलब वो जगह खाली है, कोई उसको डिस्टर्ब कर नहीं रहा है, हाँ ना? तो इसका मतलब एन एटम हैज ह्यूज स्पेस अराउंड इट्स न्यूक्लियस। एटम में बहुत सारी स्पेस है, एटम में क्या है? बहुत सारी स्पेस है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, नंबर वन पता चल गया। अब कुछ पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा क्या? देखो तो ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट होने का मतलब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, अल्फा पार्टिकल पे और ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये भी कैसा है? हा है ना, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है और उसके पास क्या डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये जो ये हिस्सा है ये क्या होगा? तो सेकेंड आउटकम क्या मिला कि न्यूक्लियस इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज। हमको ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके हैं, हाँ ना? अब हमको ये जानना था कि दोनों रहते कहाँ हैं, समझ में? अब सीधी सी बात है, दोनों साथ साथ तो रहेंगे नहीं, क्योंकि अगर प्लस माइनस मिल जाएगा एटम खत्म हो जाएगा, हाँ ना? ऑब्वियस है ना? तुम्हारे घर में बिजली है तो दो पिन तो दिखते हैं ना, एटलीस्ट दो दिखता है कि नहीं? एक को फेज बोलते हैं, दूसरे को न्यूट्रल बोलते हैं, बोलते कि नहीं? एक तीसरा अर्थिंग रहता है, उसको बोल जाओ, है ना? प्लग होता है कि नहीं होता है? सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हमारे घर में तो एक ही बटन है, पिन होते हैं ना, जैसे तीन पिन है, चलो तो इसको फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थिंग हो गई। अर्थिंग एक्स्ट्रा चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, बट एवरेज दो तो होता है ना, जैसे तुम्हारे मोबाइल का चार्जर में कितना, दो पिन होता है कि नहीं? क्लियर? तो दो पिन क्या, एक फेस है और दूसरा न्यूट्रल है, क्लियर है? अब चक्कर क्या है, तुम उनको जोड़ दोगे तो शॉक हो जाता है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं उसको, यस और नो? क्लियर है? अब चक्कर क्या है, ये प्लस भाई साहब निकले, अगर ये माइनस होता तो ये ऐसे जाते हैं ऐसे निकल लेते हैं, है ना? लेकिन ये ऐसे गए ऐसे निकल गए, इसका मतलब न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर? अच्छा, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें दिखाया नहीं है, कुछ पार्टिकल एकदम सीधे गए, जैसे सीधे गए वैसे उसी रास्ते वापस आ गए, कौन से पार्टिकल? 10,000 या 20,000 में से एक पार्टिकल सीधा आ गया, सीधा आ गया, परफेक्ट लगा इसका मतलब। अब 10,000 का मतलब क्या हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हाँ है ना? लेस प्रोबेबल है, लेस प्रोबेबल का मतलब ये जो जगह है ये बहुत छोटी है, छोटी है तभी तो लेस प्रोबेबिलिटी है, ये सुनो, क्योंकि जब वो पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव से टकराएगा तो सीधे वापस आ जाएगा, यस और नो? क्लियर? तो बोला गया कि न्यूक्लियस जो है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत छोटा है, कितना छोटा? पॉइंट साइज। अब बच्चा बोलता है सर हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो, मतलब थोड़ा और, तो एक स्टेडियम इमेजिन करो, स्टेडियम तो स्टेडियम इमेजिन करो, उस स्टेडियम को पूरा एटम मानो और उस स्टेडियम के एकदम सेंटर में जहां पिच है एकदम सेंटर पे एक क्रिकेट बॉल है, वो क्रिकेट बॉल क्या है? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज व्हाट? लाइक अ क्रिकेट बॉल इन द स्टेडियम, एंटायर स्टेडियम इज व्हाट? एटम। क्लियर? अभी क्लियर है सबको? इतना छोटा होता है। अब चक्कर क्या हो गया, लोग पूछे, किससे पूछे? रदरफोर्ड से पूछे, अरे भैया ये तो बताओ आप पॉजिटिव बोल दिए मतलब प्रोटॉन के बारे में बोल दिए, थोड़ा निगेटिव के बारे में बोलो, हैं? वो भी डिस्कवर हो गया, चलो न्यूट्रॉन तो तुमको नहीं पता है तुम गांव से आए हो, लेकिन ये तो बताओ कि कहाँ है। उनको नहीं समझ में आया, तो एक साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। तो बच्चा पार्टी हम लोग बात कर रहे थे
मैक्सवेल ने क्या तमाशा मचाया, मैक्सवेल ने दिया था वेव थ्योरी, और मैं आपको ये बता रहा था कि जो मैक्सवेल है वो आज तक जो उनकी थ्योरीज है वो अनडाउटेड सही हैं और उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आए। आइंस्टीन की थ्योरी, न्यूटन की थ्योरी, सभी की थ्योरीज पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, अभी भी झगड़े चल ही रहे हैं कि ये सही नहीं था वो सही नहीं था, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी आर करेक्ट टिल डेथ। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं, लोग बोलते ना आइंस्टीन के पास बहुत सारा नॉलेज था, आइंस्टीन वॉज टैलेंटेड, नो डाउट अबाउट दैट, ही वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड, बट मैक्सवेल वॉज इवन बेटर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? अब मैक्सवेल ने क्या बोला समझो, और ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी पिक्चर समझनी पड़ेगी, ठीक है? अभी छोटी सी पिक्चर क्या थी, छोटी सी पिक्चर ये थी कि जब इन्होंने एटम ढूंढ के दिया, किसने, कि भैया ये प्लस है और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। भाई रदरफोर्ड से पूछा क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बोले यार सेंटर में प्लस है कन्फर्म, तो अगर कोई चीज सेंटर में है तो बाकी चीज उसके चारों तरफ होगी, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड न्यूक्लियस, दे आर मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, बस। अब इसी पे उनको घेर लिया किसने, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा अगर ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइनस है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, दो चार्ज एक दूसरे के आजू बाजू अगर घूमते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो ये हर बार एनर्जी लॉस के कारण इसका पाथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि दिस विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, माइनस जो इलेक्ट्रॉन है, माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहे हैं, दोनों अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है तो देर विल बी वॉट, लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी द पाथ स्टार्ट श्रिंकिंग एंड सूनर और लेटर द इलेक्ट्रॉन विल फेल इन टू द न्यूक्लियस एंड एटम विल गेट डिस्ट्रॉयड। बट ऐसा होता है क्या? अब ये बात को रदरफोर्ड आंसर नहीं कर पाए, उनको आइडिया नहीं था कि क्या बोलूं, समझ में? तब कहानी किसकी बन गई बच्चों, नील बोर, किसकी बन गई, नील बोर, जिसको बोलते हैं बोर मॉडल। बोर वॉज टैलेंटेड, बोर ने टाइम ही वेस्ट नहीं किया, उन्होंने इसी लाइन को करेक्ट कर दिया, कौन सी लाइन को, जो रदरफोर्ड ने बोली, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, यहां तक किसने बोला था, रदरफोर्ड ने, ठीक है, इन अ फिक्स पाथ विथ फिक्स एनर्जी। पाथ कैसा है, एनर्जी कैसी है, तो पाथ फिक्स है तो एक ही जगह घूमेगा, है ना? एग्जाम्पल के लिए तुम अपना सोलर सिस्टम समझ लो, सोलर सिस्टम में सन कहाँ है, बीच में, प्लैनेट्स कहाँ है, चारों तरफ, वो एक ही पाथ पे घूम रहे हैं, है ना, इन अ फिक्स पाथ विथ फिक्स एनर्जी। ऐसा होता है कि सन के चारों तरफ घूम, अर्थ किसी दिन चक्री जैसा जोर जोर से घूमने लगे, फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहे हैं, हाँ या ना, क्लियर है सबको? तो ये चीज लोगों के समझ में आ गई। अब लोगों ने बोला अच्छा फिक्स पाथ, तो क्या नाम है उस फिक्स पाथ का, तो ही सेड द फिक्स पाथ इज व्हाट कॉल्ड, ऑर्बिट या शेल, ऑर्बिट और शेल, समझ में, कि दिस फिक्स पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। अब फिर क्वेश्चन आ गया कि इन दिस ऑर्बिट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, तो उन्होंने बोला इन रूल ऑफ 2n2, 2n2 के रूल से ये लोग प्रेजेंट हैं। लोगों ने पूछा व्हाट इज n, इन्होंने बोला n इज नंबर ऑफ शेल, n इज व्हाट, लोगों ने बोला इलेबोरेट करो इसको, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से, हमने लिख दिया n, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, है ना? लोगों ने पूछा इनके नाम कुछ किए, तो उन्होंने बोल दिया हाँ, इन्होंने इनके क्या कर दिए, नाम भी कर दिए थे, ठीक है, जैसे इसका नाम बोल दिया के एल एम एन कैपिटल, है ना, ऐसा नाम कर दिए। तो बोले अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कितने, तो क्या रूल लगा दिया, 2n2 का रूल। अब तुम n की वैल्यू 1 करो, n की वैल्यू 1 करो कितना आएगा बच्चों, n का 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, अच्छा n की वैल्यू 2 करो, अब 2 का स्क्वायर
फोर, फोर टू जा एन की वैल्यू थ्री करो, थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू टू, एन की वैल्यू फोर करो, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मतलब पहले दो भरो पहले वाले शेल में, फिर भरते भरते एट आ जाओ, फिर भरते भरते एट्टीन आ जाओ, फिर भरते भरते थर्टी टू आ जाओ। अच्छा चलो ओपन करके देख लेते हैं, देख लें। तो हम एग्जांपल के लिए कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हमको जगह लगेगी, ठीक है, तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे ना। जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लियर है, दस एलिमेंट मैंने लिख दिए, किसी दिक्कत, ठीक है। चलिए तो पहले हाइड्रोजन, अच्छा सबको याद रखना है, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास, बट अभी के लिए समझ जाओ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो है, इसके पास तीन है, इसके पास चार है, सिमिलरली इसके पास पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, डन। बोर बाबा क्या बोले, बोर बाबा बोले पहले वाले को दो दो, फिर आगे बढ़ो आठ तक जाओ, फिर उसके आगे अठारह तक जाओ, यस और नो? चलो हाइड्रोजन के पास एक है तो पहले में ही काम चल जाएगा, तो अब गोले गोले खेलेंगे अपन, क्या खेलेंगे, ठीक है, अच्छा ये हाइड्रोजन बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, हाइड्रोजन, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड, ये न्यूक्लियस है और इसका एक ही शेल है, उस एक शेल में हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्या डाल दिया, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही है ना, ये हो गया इसका फोटो, किसका, हाइड्रोजन का। हीलियम के पास कितना है बच्चों, दो, दो। कितना है दो। तो देखो डन, अब यहां पर क्या होगा, फिर से देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, दिस इज व्हाट, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं आपको, दो लगाने, दो है ना, तो एक दो, ये जानबूझ के देखो मैंने दो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा है, ये नहीं कि दो लगाने तो एकदम चिपका के आजू बाजू लगा दो, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहता है। अब यहां से गड़बड़ हो गई, क्यों, क्योंकि ये अपना के शेल था, ये भी के है, ये भी के, अब के भर गया, के में दो ही आ सकते हैं, अब कहां जाना पड़ेगा, एल में जाना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या होगा, ये फोटो यहां बनाता हूं, थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है, लिथियम का फोटो मैं यहां बना रहा हूं, क्लियर, अथवा जगह है तो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक, दो और बीच में छोटा सा न्यूक्लियस, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंदर वाले को दो देंगे, जब अंदर वाला हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, तो अब कितने हैं, तीन, तो एक और बच गया ना, तो उस एक को हमने यहां लगा दिया, समझ में आई बात। अब कौन आ गया, बेरिलियम, बेरिलियम में कितने हैं, चार, तो चार के लिए कैसे बनाएंगे, यहां बना रहा हूं, देखो कैसे बनाएंगे, देखो एक, क्लियर। अब देखो इसमें क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, समझ में आई बात, नहीं समझा, क्लियर है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, इसके बाद वाले देखो, बोरॉन कितने हैं, पांच, तो क्या होगा, देखो डन, ये वाला हो गया न्यूक्लियस, है ना, ठीक है। तो अब इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो, एक, दो, अब कितने बच गए, तीन, तो एक, दो, तीन, समझ में, अंदर वाले में दो रख सकते हो मैक्सिमम, उसके आगे वाले में एट, तो अभी तो तीन ही हुए हैं, और भर सकते हैं अपन, है ना। अब कार्बन वाला भी सेम रहेगा,
बनाओ क्या है किस अंडरस्टूड है ऐसे बनाओ डायरेक्ट डायरेक्ट है थोड़ा समय बचेगा फोकट में एक दो तीन चार पांच छह क्लियर क्लियर फिर देखो नाइट्रोजन में क्या होगा ये कार्बन है ये क्या है ये क्या है कार्बन अब हम नाइट्रोजन में जा रहे हैं डन एक दो तीन चार पांच छह समझी बात डन सात हो गए अब कहाँ आ गए एट पे आ गए है ना तो अब देखो इसमें क्या होगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ क्लियर ये कौन है ऑक्सीजन लेकिन अभी बाहर छह ही हुए हैं टोटल आठ हुए है ना अब देखो इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ डन अब किस पे आ गए नियॉन पे किस पे आ गए नियॉन को यहां बना रहा हूं ठीक है क्लियर तो देखो क्या हुआ तो अब देखो एक दो न्यूक्लियस को तो टच ही नहीं कर रहे तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस क्लियर इस बार बाहर वाले देखो कितने हो गए एट हो गए ना है ना अब अगर हमें किसी और में डालना है चलो डाल के देख लेते हैं मान लो हमें सोडियम में डालना है किस में डालना है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पहले वाले के अंदर टू बार वाले में तो बचेगा क्या था तो इसमें हमको कितना शेल हो गया के एल तो एम में जाएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन समझ में आई बात तो चलो बना के देखे बस ये लास्ट टाइम डन तो क्या होगा देखो ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये किसके जैसा हो गया नियॉन जैसा अब मुझे एक और चाहिए तो मुझे एक और क्या बनाना पड़ेगा शेल बनाना पड़ेगा सर्कल नहीं शेल बनाना पड़ेगा और उसमें हम डालेंगे ये तब ये बनेगा किसके जैसा समझ में आई बात क्लियर टू ऑल ये बहुत सही था विदाउट एनी डाउट थिंग्स वर रियली रियली ईजी एंड ग्रेट कोई दिक्कत नहीं अब चक्कर क्या है चक्कर ये था तुम लोगों को बताऊं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब डिस्कवर हो गए यहाँ तक की कहानी एकदम सेट होगी पर चक्कर क्या है कि एटॉमिक मास क्या है जैसे अभी अब एक शब्द आया ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना था उनका चार्ज कितना था एटॉमिक मास ये सब क्या है ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गया सबको बच्चा पार्टी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है क्या कहानी है जैसे अभी तुम लोग पूछ रहे थे ना कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसको कैसे इसमें जिंक सल्फाइड का कोट लगाया था फिर पता चला समझ में हमने सब कुछ पता कर लिया लेकिन हमें ये पता करना था कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का चार्ज और मास कितना है समझे क्लियर है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं किससे ई ई ऐसे लगा दिया ई ऊपर माइनस का चार्ज ठीक है ये सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का देखो ये दिया है ना ये ठीक है इसका चार्ज कितना होता है माइनस वन वन नेगेटिव क्योंकि ये माइनस वन है इसलिए प्रोटॉन प्लस वन है क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज है बट अपोजिट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है प्रोटॉन पॉजिटिव है इसीलिए एटम कैसा होता है न्यूट्रल जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन एटम न्यूट्रल समझ में आई बात क्योंकि कोई भी भेदभाव नहीं है हाँ मास बहुत कम होता है इसका मास होता है 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम केजी में बोलेंगे तो यहाँ पे −31 kg आ जाता है ये बहुत ही कम है समझ में इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेजिबल बट प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻²⁴ एक्चुअली ये 1.66 होता है और ये 1.67 कौन न्यूट्रॉन अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भारी कौन है
तो न्यूट्रॉन इज अ बिट हैवियर देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा भारी है। क्लियर है ये सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? जीरो, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया वो न्यूट्रल है, ठीक है। ये चार्ज की जो वैल्यूज है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा ये माइनस वन कितना है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। क्लियर है सबको? अच्छा, ये कहानी भी हमें समझ में आ गई। ये आप लोगों को ऑब्वियसली लिखना रहेगा, आप लोग लिखोगे, ठीक है। क्लियर बच्चा पार्टी? लिखोगे नहीं तो आगे आज नहीं तो कल फंस जाओगे, ये फैक्ट बात है। नहीं लिखोगे तो आज नहीं तो कल क्या हो जाओगे? फंस नहीं है, फैक्ट है, क्योंकि यही तो जिंदगी है। अब आ गया एक शब्द जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। इस सिंबल को समझ जाओ, क्योंकि सिंबल एज इट इज रहने वाले हैं बचपन से पचपन तक। सिंबल क्या है? जेड। जेड रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। सिंपल याद रखो, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या है? कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एटम न्यूट्रल है, एटम कैसा है? न्यूट्रल। कब रहता है? जब उससे ना इलेक्ट्रॉन लिया गया ना दिया गया। जब कोई एटम ना इलेक्ट्रॉन लेना करता है ना देना करता है, तो एटम क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। तो उस स्थिति में, इन ऑन दैट कंडीशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रिप्रेजेंट इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। एंड मोस्ट रिलायबल इज प्रोटॉन, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि विच इज इवन मोर रिलायबल, तो प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट्स व्हाट? एटॉमिक नंबर। क्लियर है सबको? रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो जो आप लोगों ने एग्जांपल लिखे ना, कौन से वाले? ये वाले। ये कितने प्रोटॉन है इसमें? वन। कितने प्रोटॉन है? समझ में आ रहा ना? जो एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है ना, ये एटॉमिक नंबर जो लिखा है, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सबको बच्चा बाटी? चलिए, अब बात आती है क्या एटॉमिक मास। किसकी बात आती है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज अगेन सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन्स का मास? तो अब एटम में कौन कौन है? एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होगा तो बचे कितने? प्रोटॉन एंड। सो इसीलिए मास ऑफ व्हाट? मास नंबर इज एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, भूला मत, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? चलेगा? अब मैं एक एग्जांपल से आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक एटम। क्या लिख रहा हूं? एटम। इसके बाजू में उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। मैं एटम पूरा लिखूंगा, ठीक है, उसका मास भी लिखूंगा, उसका नंबर भी लिखूंगा, ठीक है। मैंने पहले ले लिया हाइड्रोजन 1H1। यहां जो लिखा रहता है, किसी भी एटम को ऐसे देखो, किसी भी एटम को ऐसे देखने का, कोई भी एटम है ना, कोई भी क्या है? एटम। तो एटम को अगर आपने ऐसे लिखा एक्स, तो जो यहां लिखा रहता है इट रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, और जो यहां लिखा रहता है वो कहलाता है उसका एटॉमिक मास। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? समझ में आई सबको बात? अब देखो क्या हुआ गड़बड़। मैं यहां लिख रहा हूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक। अच्छा, अब एक और ले लो, हीलियम ले लो 2, 4। एक और ले लो, चलो सोडियम ले लो 11, 23। मैग्नीशियम ले लो 12, 24। और कैल्शियम ले लो, चलो 20 और 40। क्लियर? चलो शुरू करें खेला। चलो अब यहां पर कितने प्रोटॉन है? 1, क्योंकि ये क्या है? एटॉमिक नंबर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक, सो एक एटॉमिक नंबर प्रोटॉन। इसका मास कितना है? 1। मास इज व्हाट? प्रोटॉन प्लस मास इज व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैं लिख देता हूं, किधर लिख दूं? इधर लिख देता हूं। मास इज व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड नंबर इज व्हाट? एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज जस्ट प्रोटॉन।
ठीक है, अब तो देख के बता सकते हो सब लोग। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? जीरो। इलेक्ट्रॉन वन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, ये तो सिंपल है। कितने प्रोटॉन है? दो। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। न्यूट्रॉन कितने? चार। न्यूट्रॉन कितने? दो, दो है ना, क्योंकि इन दोनों को मिलाया तब जाके चार बना। अगर ये दो है तो ये भी दो ही होगा ना। क्लियर डन? अच्छा अब ये बताओ, इसमें कितने प्रोटॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने? 12। वेरी गुड, क्योंकि 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23। चलो कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना न्यूट्रॉन, वो भी 12, क्योंकि 12 है 12, ठीक है। अच्छा कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, 20। क्लियर है सबको? ऐसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता किए जाते हैं। डन? अच्छा ये भी हो गया भाई, चलो बहुत अच्छी बात। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या आ गया भैया कहानी में ट्विस्ट? क्योंकि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब ट्विस्ट ये आ गया कि हमको डिस्कस करना है क्या, क्या हमेशा न्यूट्रॉन सेम रहते हैं? अभी तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, शायद नोटिस किया होगा, नॉट श्योर, कि यहां पर देखो इस वाले केस को देखो, इसके पास 11 था, ये 11 था लेकिन ये 12 हो गया। कई जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, कई जगह न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर आइदर सेम टू दैट ऑफ प्रोटॉन और मोर, या तो सेम रहेंगे या कम नहीं हो सकता। कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कभी कम नहीं होता, समझ में आया कि नहीं? जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा वो रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? जितना ज्यादा न्यूट्रॉन उतना ज्यादा मास, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी। क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात? तो जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी। तो एक शब्द आ गया अब हमारे समझने के लिए जिसका नाम है आइसोटोप्स। आइसो, अभी मैं आइसोटोप बता रहा हूं, इसके बाजू में मैं आपको बताने वाला हूं आइसोबार्स। क्या बताने वाला हूं? आइसोबार्स। तो ध्यान देना, क्योंकि जब ध्यान नहीं दोगे तो अटक जाओगे। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास ऑफ एटम आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग। एग्जांपल देखो, मैंने लिख दिया कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। ये तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ये तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर क्या है देखो, मास क्या है, तो इसीलिए ये कार्बन क्या कहलाए, आइसोटोप्स कहलाए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मास होता है 35, एंड क्लोरीन एक और होता है 17 जिसका मास होता है 37। एटॉमिक नंबर क्या है, मास, समझ में आई बात? क्लियर आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, अच्छा अब यहीं पर इसका भाई कौन, इसका जस्ट उल्टा, क्या डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हाँ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। अब ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन अगर तुमको एक नहीं आता तो दूसरा नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं? जब एक आएगा तभी तुमको दूसरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर? तो इसका एग्जांपल देखो, हमने अभी अभी देखो यहां पे लिखा है, देखो कार्बन का 614 लिखा है कि नहीं? तो देखो कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक, समझ में आई बात? सो दीज आर व्हाट, आइसो बार्स। क्लियर है? अब ट्विस्ट, कोई तुमसे पूछे आइसोटोप और आइसोबार बनते कैसे हैं? चलो इसमें ध्यान से देखो, इन इन तीनों को देखो, इन तीनों में प्रोटॉन कितना है, 6, तीनों में है ना, 666 है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना, चलो वो बताओ, 666। बट न्यूट्रॉन कितना है,
6, 7, 8 क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि आइसोटोप्स में अलग क्या होते हैं? तो इसका मतलब आइसोटोप होने का कारण क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? अच्छा अच्छा अच्छा, क्लियर है। यहां देखो प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स 6, 7 हाँ है ना। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, 7 हाँ है ना। तो न्यूट्रॉन इसमें 8 है, इसमें 7 है, अलग अलग है, हाँ है ना। सेम नहीं है, लेकिन आइसोबार्स का कारण भी क्या बना? न्यूट्रॉन। क्यों बना भाई सेम? क्योंकि एटम अलग है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो से अलग ही होंगे ना। अगर कार्बन अलग एटम है, नाइट्रोजन अलग एटम है, तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो अलग होंगे ही, ये तो बदल ही नहीं सकता। लेकिन न्यूट्रॉन ने हिसाब गड़बड़ करके क्या कर दिया? मास सेम कर दिया। तो अगर न्यूट्रॉन गड़बड़ ना करते तो मास सेम नहीं होता। समझ में आया? सो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के लिए, दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूट्रॉन जिम्मेदार है। और जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे वो रेडियो एक्टिव होगा। जैसे इसके केस में कौन रेडियो एक्टिव है? कार्बन 14। और कार्बन 14 तो सबको पता है, कार्बन 14 क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव होने के कारण इट इज यूज फॉर कार्बन डेटिंग। जैसे आपको फॉसिल मिलता है ना, डायनासोर का अंडा है 3000 साल पुराना, कौन देख रहा था 3000 साल पहले? कोई नहीं देख रहा था। तो हम उस अंडे के शेल्स में जो कार्बन था, उस कार्बन की क्या करते हैं? उसको रीड करते हैं, कितना परसेंट बचा, रेडियो एक्टिव है। तो धीरे धीरे उसके हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग रेड करते हो, पता चल गया 3000 साल पुराना है। समझ में आई बात? तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। ठीक है, किसी की डेट पता करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटिंग। क्लियर है? yes. सबको क्लियर है? yes. चलो आगे बढ़ते हैं। डन? yes. समझ में तो नहीं आ रहा है? yes. चलो, तो प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिस्कस कर लिया है ना। yes. याद रखना आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे तुम कार्बन जला रहे हो, चाहे कार्बन 12 हो, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, जलाओगे तो CO2 ही बनने वाला है। समझ में? बस डिफरेंस क्या रहेगा? उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, क्योंकि मास अलग अलग हो रहा है। समझ में? क्लियर है? लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर। तुम लोगों ने हैवी वाटर सुना? हैवी वाटर हाइड्रोजन, इसको भी देख लो। चलो एक और आइसोटोप्स की कहानी देख लो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको एक्चुअल में हाइड्रोजन या प्रोशियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। प्रोशियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। क्लियर? ये जो प्रोशियम होता है, ये आप डेली यूज करते हो, यही हाइड्रोजन एक्चुअली यूज करते हैं जो H2O बनाते हैं। इसकी जब रिएक्शन कराता हूं इसको, क्योंकि इसका नाम ड्यूटेरियम है, तो इसको D से लिखते हैं शॉर्ट में। क्या लिखते हैं? तो H2O की जगह तुमको कई जगह मिलेगा D2O। इसको बोलते हैं, ये वाटर है, ये हैवी वाटर है, क्योंकि इससे भारी है। समझ में आई बात? और इसका पानी नहीं यूज करते, रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा खतरनाक। क्लियर? अब इसका यूज कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है? हीट बन रही है, नॉर्मल पानी फट से इवेपोरेट हो जाएगा, इतनी हीट को कंट्रोल तो हैवी वाटर यूज करते हैं। ये थोड़ा कैसा होता है? विस्कस होता है, थोड़ा विस्कस होता है, पीने के लिए यूज नहीं करते, है ना, पीने के लिए यूज नहीं करते, पीने के लिए यही यूज करो। समझ में? नहीं, मैं पहले से बता रहा हूँ, कोई बच्चा ज्ञानी लाइक विहांग वो बोल देगा, मान लो हम पी के निपटना चाहते हैं गुरुजी, हमारे जीवन की लगी पड़ी, हम जाना चाहते हैं। क्लियर है सबको? डन? चलिए आगे बढ़े। चलो ये छोटी छोटी चीजें, बट आपको याद रखना है। क्लियर है ना? ये देखो यहाँ पे उन्होंने वो शेल्स दिखाया जो मैं आपको दिखा रहा था, देख रहे हो, KLMNO 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? और हमने इलेक्ट्रॉन भी भरना सीख लिया, गोले गोले भरना सीख गए, हाँ है ना। yes. अच्छा, एक चीज है जो मैंने आपको लेक्चर्स में समझाई थी, क्या? वैलेंसी शेल एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, याद है? हाँ. जैसे मैंने अभी जो पढ़ाया उसी को देख लो, इसी में समझ में आ जाएगा। अभी अपन ने याद किया ना, पिक्चर बनाई है, देखो ये पिक्चर बनाई थी ना अपन ने, ये देखो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2। तो बच्चा पार्टी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमें समझ में आ गए, ठीक है, हमने देखे।
कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, हमने देख लिया इसमें एक था, इसमें दो थे, इस वाले में भी एक है, इसमें दो हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। बट वॉट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टेट, रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टेट, ठीक है, या टू गेट स्टेबल। अब चक्कर क्या है, ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट लॉ हमने पढ़ा था, फिर से एक बार डिस्कस करें। ऑक्टेट लॉ का मतलब यह है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो जो एटम है वो स्टेबल होगा। एटम क्या होगा? स्टेबल। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आप या तो इलेक्ट्रॉन लूज करो या गेन करो या जो करना है करो, ठीक है, शेयरिंग करना है तो करो, फर्क नहीं पड़ता, बट इलेक्ट्रॉन 8 हो गए तो स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो चक्कर क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए लोग आइदर लूज करेंगे या गेन करेंगे और फिर उनके ऊपर अकॉर्डिंगली चार्ज आएगा। समझ में आया? अब यहां पे समझो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बच्चा कहेगा सर ये 8 कैसे कर सकता है? तो इनर शेल, जो अंदर वाली शेल है, हमने बोर मॉडल पढ़ा ना, बोर मॉडल क्या कहता है, आपके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी चल जाएगा काम। समझ में आया? तो एज एन एक्सेप्शन इफ देयर इज ओनली सिंगल शेल, एक ही शेल है या एक ही ऑर्बिट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 का रूल वर्क नहीं करेगा, बाकी हर जगह आपको ऑक्टेट का लॉ लगाना है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। लूज करेगा तो +1 का चार्ज आएगा, गेन करेगा तो -1 का चार्ज आएगा, दोनों ही केसेस में ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में? अब चक्कर यह है कि कैसे पता चलेगा कि कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है। तो चलो आयंस को पहले डिस्कस कर लें। आयंस किसकी बात कर रहे हैं? आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी कैटायंस और एनायंस की कहानी क्या है उसको समझ लो। एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है कैसा, जिसको बोलते हैं कैटायन, मैं थोड़ा और इलैबोरेट करूंगा, टेंशन नहीं, और एक है नेगेटिव चार्ज जिसको बोलेंगे हम एनायन। क्या बोलेंगे? अब इसको समझो, इस पिक्चर को समझो। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इन एन एटम देयर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, फिर से इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आप सबको पता है। यस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ में? अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है तो न्यूक्लियस यूज होगा, न्यूक्लियस यूज होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी यूज होंगे। अगर न्यूक्लियस यूज हो ही नहीं रहा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी नहीं। क्लियर है सबको? तो केमिकल रिएक्शन में कौन यूज होता है? इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल रिएक्शन कौन यूज होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मेरे हाथ को ध्यान से देखो, जिस हाथ में मैंने वॉच पहनी है समझो ये प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। जिस हाथ में रिंग्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। यस, अब प्रोटॉन तो कहीं पे भी कुछ नहीं होगा तो वो ऐसे ही रहने वाला है फिक्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसका चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। समझ में? प्रोटॉन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन का लूज होना पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है और इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना negative। समझ में आई बात? Yes। तो चक्कर क्या है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का गेन। समझ में आया? अच्छा, कोई बच्चा बोल सकता है कि आप सर इसको कैटायन और एनायन नाम क्यों दे रहे हो? व्हाई दे आर नेम्ड एज कैटायन एंड एनायन? आज ही हमने पढ़ा एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड इज, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो उस आयन को जो एनोड की तरफ जा रहा है बोलेंगे एनायन, बट उसका चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। समझ में क्या रहेगा? एनोड क्या है? एनोड क्या है? पॉजिटिव। चार्ज जो जा रहा है negative। लेकिन नाम उसका क्या होगा? एन आयन, बिकॉज गोइंग टूवर्ड्स एनोड। समझ में आया? Yes। तो एनोड पॉजिटिव है लेकिन एनायन नेगेटिव है। सिमिलरली कैथोड, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है लेकिन कैटायन पॉजिटिव है। क्लियर है सबको समझ में आई बात? Yes।
अच्छा ये चलो बात समझ में आ गई। अब चक्कर क्या है, इसको थोड़ा सा और मजा कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम तक कोई दिक्कत नहीं, लिथियम से कहानी देखो, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम, यहां तक लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 12 लिख दिया लाइन से, और भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्लियर है यहां तक। अच्छा लिथियम को हमको अभी बोर मॉडल पढ़ लिया, तो अपने 2, 1 है ना, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 है ना, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 1, 2, 9 बोलने वाले थे ना, हाँ यही तो मैं देख रहा, 2, 8 समझ में आया। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस 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 इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर 9 बोल गए थे तुम, है ना, समझ में आया, आउटर से मतलब है। अब आता है वैलेंसी, इस भाई के पास एक है, अब ये क्या करे तो जिंदगी में खुशहाली आ जाए, या तो अपना ये इलेक्ट्रॉन गायब कर दे या 7 गेन कर ले, तो एक लूज करना सही है कि 7 गेन करना, तो इसीलिए ये प्लस 1 हो जाता है, एक को लूज कर देता भैया चलो निकलो तुम्हारे चक्कर में मैं अनस्टेबल हूं। सिमिलरली 6 गेन या 2 लूज, प्लस 2, 3 लूज और 5 गेन, अब इसमें देखो प्लस 4, प्लस 4 माइनस 4 दोनों भी हो सकता है, क्यों, क्यों, क्योंकि 4 लूज भी कर सकता है 4। अच्छा यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो गई, देखो अब यहां से इंटरेस्टिंग, 5 लूज करे या 3 गेन करे, तो इसलिए माइनस 3, गेन करने पे नेगेटिव आता है, देखो ना अपन ने लिखा है यहां पे, किधर गया, अपन ने लिखा था ना गेन करेंगे तो नेगेटिव आता है ना। अच्छा प्लस 2 मतलब 2 ले लेंगे 6 दे दे, तो माइनस 2, 1 ले ले माइनस 1, ये ना लेगा ना देगा, इसलिए 0, इसलिए स्टेबल, मोह माया से दूर, ना लेंगे ना देंगे, समझ में, फिर 1 ले ले या 1 दे दे, सॉरी 7 ले ले या 1 दे दे, देगा तो कौन सा चार्ज, प्लस 1, प्लस 2, समझ में। सो जो मैंने ऐसे लिखा ना कलरफुल, ये सभी क्या दिखा रही है, वैलेंसी दिखा रही है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, वैलेंसी अलग चीज है, समझ में आई सबको बात, क्लियर है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो मतलब तुम टैलेंटेड लोग हो, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ लिया वैलेंसी है, ये तो अपन ने कर ही चुके हैं, गोले गोले भरना है ना, ये वही हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने प्रोटॉन होंगे वो अपन कर ही चुके हैं, ये सुनो वैलेंसी भी हमने डिस्कस कर ली, किसी को दिक्कत तो नहीं है वैलेंसी में। अच्छा एक शब्द आता है वेरिएबल वैलेंसी, क्या शब्द आता है, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, समझ ना, जैसे एक से ज्यादा मतलब जैसे एक ही एलिमेंट दो या दो से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, जैसे आयरन, आयरन प्लस 2 भी शो करता है प्लस 3 भी शो करता है, मैग्नीज प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते हैं प्लस 5 तक चला जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि ऑक्टेट पूरा करना है तो स्टेबिलिटी होगी, हाँ है ना, ये सुनो, तो अब यहां पर ट्विस्ट है, जो आप अभी पढ़ रहे हो वैलेंसी को लेके लोअर स्टैंडर्ड्स में, हायर स्टैंडर्ड्स में आपको ऑर्बिटल्स पढ़ने को मिलेंगे, ऑर्बिट पुरानी कहानी हो जाएगी, बोर वाला कहानी पुराना कहानी हो जाएगा, फिर कौन सा कहानी आ जाएगा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब ऐसा समझ जाओ कि थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि अभी जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि मुझे विहान को ढूंढना है, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, विहान के मिलने की संभावना या तो क्लास में होगी या घर पे होगी, रोड पे मिलेगा क्या, तो लोगों ने बोर से पूछा भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उन्होंने बोला ऑर्बिट में, उन्होंने बोला नहीं ऑर्बिट तो पता है, ऑर्बिट मतलब रास्ता, उस रास्ते में कहाँ, उन्होंने बोला हमें नहीं पता, तो हमने बोला जाओ भैया बोर तुम बहुत बोर कर दिए, है ना, तो फिर मॉडर्न थ्योरी आई जो बोलती है भैया
विहान को ढूंढना है तो घर पे ढूंढो या क्लास में ढूंढो, तो घर और क्लास क्या कहलाएंगे, उसके ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आर द प्लेसेस इन ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट में वो जगह वह प्रोबेबिलिटी टू गेट इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। समझ में आई बात? इसीलिए तो अब चक्कर क्या होता है कि अब एक कमरा है, घर एक कमरे का भी हो सकता है, दो कमरे का भी हो सकता है, तीन कमरे का, कितने भी कमरे का घर हो सकता है। यस और नो? ऐसा फिक्स है क्या कि एक ही कमरे घर होगा? इसीलिए जो ऑर्बिटल हैं वो भी अलग अलग ब्लॉक्स या अलग अलग नंबर्स के होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर्स में, क्योंकि अगर वो अनपेयर रहेंगे तो वो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, हाँ है ना। तो इसी सब को ध्यान में रख के आपको पता चलेगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कौन से एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में रखे जाते हैं, दे शो वेरिएबल वैलेंसेज बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। तो खाली डी ऑर्बिटल होने के कारण दे कैन ईजिली पुट देयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन टू अनपेयर्ड ऑर्बिट। समझ में? ऑर्बिटल मतलब पेयर था, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिला तो बाहर नहीं जाता है, वो खुद टूट के दूसरे वाले कमरे में भेज देता है, मैं इधर सिंगल हूं, एक कमरे में पेयर था, समझ में, उसके पास एक कमरा खाली था, जैसे थोड़ा एनर्जी मिली तो वो दोनों जो कपल थे, कपल मतलब जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की सोचो, है ना, कैसे सोचने का नहीं, तो एक एक में रह गया, दूसरा दूसरे कमरे में चला गया। समझ में आया कि नहीं? अब दोनों सिंगल हो गए, तो मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे क्या देखेगा, हर कमरे में एक सिंगल है, तो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो उस दोनों सिंगल से क्या कराऊंगा, रिएक्शन कराऊंगा। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरह की कहानी आपको आगे भविष्य में पढ़ने को मिलेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, अब एक देखो, ये समझ में आया सबको वेरिएबल वैलेंसी? अब शब्द आता है रेडिकल। व्हाट इज रेडिकल? बोलते ना कुछ रेडिकल एलिमेंट ने दंगे फैला दिए, सुनेगे नहीं, न्यूज में सुनते नहीं, देर आर सम रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन्स हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव या हाईली अनस्टेबल पार्टिकल, दे आर कॉल्ड रेडिकल्स। चैन से नहीं बैठते रेडिकल्स, जहां रहेंगे तूफान मचाते रहेंगे। तो कौन है रेडिकल्स? आयंस। कौन है रेडिकल्स? चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन, जिसके पास चार्ज आ गया, क्या आ गया, अब प्लस वाला है वो ढूंढ रहा हो निगेटिव किधर है, निगेटिव वाला अगर चार्ज आ गया और भी पॉजिटिव किधर है, वो चैन से थोड़ा, चैन से कौन बैठता है, जो न्यूट्रल है, जिसके पास ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है वो चैन से बैठा है, जिसके पास चार्ज है वो भागेगा ना, यस और नो? अच्छा एक और चीज, पहले एक बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनता है, एक इसका एक इसका, दो के बॉन्ड बन गए, किसी ने इनको हीट दे के बॉन्ड तोड़ दिया तो वापस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सिंगल हो गए, है ना, यस और नो? तो ये भी रेडिकल है, चार्ज नहीं है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, डिवोर्स हो गया, अलग अलग शादी होके रखी थी, डिवोर्स हो गया, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग, उनको 20 साल लगा था शादी करने के लिए, डिवोर्स हो गया तो फिर से अगले 20 साल लगाएंगे दूसरी शादी करने के लिए, नहीं, उनको वापस चाहिए कोई मिल जाए जिससे मैं वापस क्या बना लूँ, बॉन्ड बना लूँ। इसलिए जो रेडिकल्स होते हैं वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, या बिना चार्ज के भी हो सकते हैं, समझ में? लेकिन शर्त क्या है, जिसके पास चार्ज नहीं है वो कैसा होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब समझो, इधर समझो समझो, मैं दिखाता हूं यहां पे, ठीक है, हाइड्रोजन था H2, कौन था भाई, H2 का मतलब ऐसा हो गया ना, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच बॉन्ड था, है ना, इनके बीच दरार आ गई, टूट गई है ना, तो ये हाइड्रोजन जब अलग होगा तो ये बोलेगा भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा हूं, तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो, ना इसने किसी से ज्यादा लिया ना इसने किसी से ज्यादा लिया, यस और नो? तो ये क्या कहलाए, होमोलिटिक, होमो मतलब इक्वल टूटना, होमोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज मतलब ब्रेक होना, तो ये बन गया, ये भी रेडिकल है, ये भी क्या है, पहले सिंपल थी जिंदगी अब कठिन हो गए भाई, अब ये अकेला कहां जाए इस जालिम दुनिया में, अब इसे जीवन को चलाने के लिए एक और साथी चाहिए, तो ढूंढेगा किसी को, ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, दूसरा हाइड्रोजन मिल गया उससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन मिल गया उससे रिएक्ट, जिससे मिलेगा उसका कंपाउंड बना देगा। समझ में आई बात? अब इसका एक और
एक इसका एक और हिस्सा देख लो। मान लो यहां पर आ गया कौन, मान लो यहां पर आ गया तुम्हारे पास आ गया HCl, कौन आ गया HCl। अब HCl में क्या है, हाइड्रोजन सीधा साथ आदमी, क्लोरीन ग्रीडी आदमी था, क्लोरीन कैसा था, ग्रीडी। क्लोरीन को चाहिए था इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को क्या चाहिए था इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अलग हुए तो इसने हल्का सा चार्ज अपनी तरफ ज्यादा ले लिया, किसने, क्लोरीन ने, अलग हो गए। तो जब ये अलग हुए तो क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज, तो हाइड्रोजन क्या हो गया प्लस, और क्लोरीन क्या हो गया माइनस, है ना। अभी क्लोरीन चार्ज के साथ क्या करेगा, प्लस, दूसरा प्लस चाहिए, सोडियम मिल गया, चल भाई सोडियम अपन दोनों मिलके क्या बना लेंगे NaCl। ये भी ढूंढ रहा है, अच्छा OH मिल गया इसको धोखे से, चलो भाई अपन मिलके क्या बना लेंगे, समझ में आई कहानी। अगर ये टूटता नहीं तो ये बनते नहीं, बनते नहीं तो रिएक्शन होती नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। तो बॉटम लाइन क्या है, ये कैसे रेडिकल्स हैं, ये पॉजिटिव रेडिकल है, दिस इज पॉजिटिव रेडिकल, दिस इज नेगेटिव रेडिकल, और ये वाला जो था वो न्यूट्रल रेडिकल था, समझ में, बट रेडिकल कहलाएंगे सभी, क्यों, क्योंकि इनको बस मौका चाहिए। देखो यहां पे देखो एग्जांपल, देखो ये देखो, इसके पास वन प्लस का चार्ज है, इसके पास वन माइनस है ना। अब यहां देखो, यहां पर सल्फेट के पास टू माइनस, सल्फाइड के पास टू माइनस, कार्बोनेट के पास टू माइनस, ये क्रोमेट है टू माइनस, ये फॉस्फेट है थ्री माइनस, समझ में। सो ये सभी क्या है, रेडिकल्स है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल, क्लियर है, डन। अब बच्चा पार्टी हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, किसकी बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी। ये हेनरी बैकरल ने सबसे पहले यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी खोजा था, हेनरी बैकरल, ठीक है, क्या नाम था, हेनरी बैकरल, उन्होंने यूरेनियम का एक सॉल्ट है उस पर रिएक्शन कराया। रेडियो एक्टिविटी का मतलब समझो, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें सेल्फ डिकेइंग की क्या होती है, प्रॉपर्टी, सेल्फ डिकेइंग की क्या होती है, प्रॉपर्टी, वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, समझ में आई बात। तो अब यहां पर आ रहा है क्या, देखो रेडियो एक्टिविटी ने आज ही समझाया कि रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए। अब समझो ये चीज है, ये पेन रेडियो एक्टिव है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कैसे खत्म होगा, ये अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, क्यों, इसको समझ जाओ, इस चीज को समझना आपके लिए जरूरी है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, हाँ ना, C इज स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, ज्यादा मास ज्यादा एनर्जी, कम मास कम एनर्जी। एटम का पूरा मास कहां होता है, एटम का पूरा मास कहां होता है, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में ही कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए पूरी एनर्जी कहां पर है, न्यूक्लियस में, बाहर इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही बॉन्ड जोड़ना तोड़ना उसी में एनर्जी चल रही है, तुमने कोयला जला दिया बॉन्ड टूट गए, समझ में है, लेकिन तुमने अल्टीमेटली कार्बन को खत्म थोड़ा ना किया, तो न्यूक्लियस में एक्चुअली रिएक्शन होती है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इज इट क्लियर टू ऑल। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, क्या है ट्विस्ट, ये जो मास है मैंने बोला ना, ये पेन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिके होता जाएगा, डिके होगा तो इसके मास का क्या होगा, लॉस होगा, अगर कोई चीज डिके हो रही है खत्म हो रही है उसके मास का क्या हो रहा है, तो इसका मतलब उसके एनर्जी का भी क्या होगा, तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, किसके फॉर्म में, समझ में आई बात। सो व्हेन एवर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज देयर, इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग सब व्हाट रेज, वो रेडिएट करता है, रेज को निकालता है, एनर्जीज को निकालता है, और धीरे धीरे डिके होता चला जाता है। तीन मेजर जो रेज है, देयर आर थ्री मेजर रेज, कौन सी है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज पॉजिटिव रे, सॉरी हाँ, अल्फा इज व्हाट, पॉजिटिव रे, इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, दो टू टाइम्स पॉजिटिव, प्रोटॉन से दो गुना पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन एक प्रोटॉन नहीं दो प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, किसमें, और मास चार प्रोटॉन के बराबर, सोचो मतलब भारी भी है और पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बीटा में नेगेटिव चार्ज रहता है, बीटा में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, मास तो रहता है लेकिन चार्ज नेगेटिव रहता है, क्लियर है,
ठीक है, एक एक नेगेटिव चार्ज रहता है। डन। गामा में जीरो चार्ज जीरो मास, गामा में जीरो चार्ज जीरो मास। समझ में आई बात यहां तक? सबको क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अल्फा रेज में वेट है, वेट है, जो चीज भारी होती है वो जल्दी देर ज्यादा भागती है, कम भागती है? कम भागती है, हाँ, है ना। और जो चीज हल्की होती है वो, इसीलिए अल्फा रेज का जो पेनिट्रेशन किसी चीज के आर पार निकलना वो पावर सबसे कम है, गामा रेज की वो पावर सबसे ज्यादा है। अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर की प्रॉपर स्टील की वॉल हो और गामा रेज को अगर आप फेंको तो वो आर पार जा सकती है, सोचो। इसीलिए जो रेडिएशंस होते हैं, गामा रेडिएशन, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। अल्फा बीटा के रेडिएशन ज्यादा डेंजरस नहीं है, गामा के बहुत ज्यादा डेंजरस। अब होता क्या, बच्चे पूछते हैं सर रेडिएशन से क्या होता है, हमारी बॉडी में कौन है? सेल्स। सेल्स में कौन है? एटम्स। सेल्स में कौन होते हैं? एटम्स होंगे ना। एटम तो बहुत छोटा है। अगर तुम को याद हो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रोटीन लिपिड की लेयर थी, लिपिड मतलब फैट, है ना, तो वो भी सेल्स होंगी ना उसमें, और सॉरी उसमें भी एटम्स होंगे ना, और उन एटम्स में ये तो उनसे भी छोटे हैं, कौन? रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जाता है और ये जाके किसको डैमेज कर देता है? सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज, सेल मरने लगती है। सेल क्या होने लगती है? मरने लगती है। तो अब सेल अचानक मरने लगे, है ना, तो क्या होगा? शरीर गलना शुरू हो जाएगा। यस और नो? नंबर वन। ऑन द अदर एंड, अगर धोखे से इस सेल ने जाके, सॉरी इस रेडिएशन ने जाके किसको डैमेज कर दिया? उसके न्यूक्लियर मटेरियल को डैमेज कर दिया। कौन? किसको? क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। तो उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग या डीएनए वगैरह में भी चेंजेस आने लगते हैं, म्यूटेशन डेवलप होने लगते हैं, और आदमी में बहुत सारी कैंसरस एक्टिविटी शुरू हो जाती है। समझ में आई बात? क्लियर है? इसीलिए रेडिएशन कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। समझ में? क्लियर है? अब बात आती है कि अगर इतने हार्मफुल है तो हम इनके, जैसे देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो दिखाया हुआ है, ये ध्यान से देखो, यहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अल्फा बीटा गामा तीनों निकले, है ना, ये ऊपर देखो अल्फा है, अल्फा को पहले रोक दिया, बीटा और गामा पूरा क्रॉस कर गया, है ना। देखो 1.5 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ लेड, सब लेड की जो शीट होती है ना वो सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। जब लेड की शीट को भी वो क्या कर रही है? क्रॉस करने की हिम्मत रख सकती है, तो सोचो कितना डेंजरस होता है। हालांकि ये बात है कि लेड की बहुत मोटी शीट लगा देने पर गामा रेज क्रॉस नहीं कर पाती, और वही तरीका यूज किया जाता है। इसीलिए रेडिएशन से लोग बचने की सलाह देते हैं। आप एक्सरे जाओगे ना एक्सरे कराने के लिए, तो जो पेशेंट है उसी को डॉक्टर अंदर लेता है कि भाई एक्सरे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सरे भी क्या है? रेडिएशन है ना। एक्सरे गामा रेज नहीं है, एक्सरेज क्या है? रेज है, कैथोड रेज से निकलती है ना, ठीक है ना, क्लियर। तो जो एक्सरेज हैं वो भी क्या कर सकती है? बॉडी को डैमेज कर सकती है। अगर आप रेगुलरली एक्सपोज रहोगे तो बॉडी डैमेज हो जाएगी। समझ में आया बात? इसीलिए छोटे बच्चों का सोनोग्राफी होता है, एक्सरे नहीं है, क्योंकि एक्सरे में क्या होगा, छोटा बच्चा है, तुम एक्सरे निकालो माँ के पेट में, तो रेडिएशन जाके बच्चे के क्या बच्चे के बोन सेंटर्स को डैमेज कर देता है, और कई बार बच्चे उस बोन सेंटर्स के कारण क्या होते हैं, नाटे ही बने रहते हैं, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ती, मतलब उतने ही बने रह जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। डन। अब बात आती है न्यूक्लियर रिएक्शंस। कोई पूछे रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है, तो क्या बताओगे? रेडियो एक्टिविटी का कारण है इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने बताया तुम लोगों को, न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो रेडियो एक्टिविटी होती है, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रॉन ज़्यादा मास, ज़्यादा मास ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। क्लियर है? अच्छा, कितने तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, मैं शॉर्ट में बताऊं तो न्यूक्लियर फ्यूजन वो है जो एटम बॉम्ब में होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो है जो सन में होती है, सूरज में, सन में या हाइड्रोजन बॉम्ब में। क्लियर है? सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? टूटना। टूटेगा कौन? छोटा के बड़ा, जो बड़ा होगा वही टूटेगा, छोटा कहाँ टूटता है ना, ठीक है। तो क्या होता है, जो
हैवी न्यूक्लियस होते हैं, कौन से न्यूक्लियस, हैवी या बड़े न्यूक्लियस होते हैं, उनका फ्यूजन होता है। तो सबसे बड़ा एक न्यूक्लियस ले लो, मान लो यूरेनियम ले लिया हमने, क्या ले लिया, देखो यहां ध्यान से देखो, ये क्या है, एक यूरेनियम है, मैं और जूम कर देता हूं, अब दिख रहा होगा, ये क्या है, यूरेनियम दिख रहा है, हाँ है ना, इस यूरेनियम से कौन टकराया है, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, हाँ है ना, एक यूरेनियम से टकराया, ये यूरेनियम था, तो देखो ये 235 और 1 कितना हो गया, 236 हो गया ना, और 92 और 0, क्लियर है, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अब ये टूट जाएगा, यूरेनियम पहले बेचारा जिंदा था, धीरे धीरे घिस रहा था अपनी जिंदगी, न्यूट्रॉन आ गया, मैं छोड़ेगा नहीं साला, अब क्या होगा, तुरंत ये ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक हुआ बहुत सारे रेडिएशन निकले, क्या बना, बेरियम बना, क्या बना, बेरियम, क्या ये यूरेनियम है, नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम ही चेंज हो जाता है, तो यूरेनियम से क्या बन गया, बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन, और ये क्या बना, न्यूट्रॉन। तुम बोलोगे सर एक न्यूट्रॉन लिया था, कितना न्यूट्रॉन लिया था, वी हैव टेकन वन न्यूट्रॉन, वी आर गेटिंग थ्री न्यूट्रॉन, एंड क्यू मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी, क्यू मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी। अब एक न्यूट्रॉन से तीन न्यूट्रॉन, अभी तीन न्यूट्रॉन कितने यूरेनियम को ब्रेक करेगा, और तीन को ब्रेक करेगा, तो कितने न्यूट्रॉन बनेगा अगली बार, नौ, फिर नौ कितने करेगा, 27, तो ये क्या हो गया, धीरे 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 स्प्रेड हो गया, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन अगर क्या हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, मतलब अगर आप उसको कंट्रोल ना करो तो आप उतनी एनर्जी संभाल नहीं सकते, तो बॉम्ब में क्या होता है, बॉम्ब में यही होता है, एनर्जी अनकंट्रोल होती है, लेकिन अगर अपन समझदार हैं, अभी तीन न्यूट्रॉन निकला, दो को अपन ने पकड़ लिया, फिर एक निकला, फिर एक यूरेनियम, तो हर स्टेप पे अगर हम दो न्यूट्रॉन क्या कर लें, कैप्चर कर लें, हर स्टेप पे अगर हम दो न्यूट्रॉन क्या कर लें, तो हर बार कितना न्यूट्रॉन निकलेगा, तो जो एनर्जी निकलेगी वो कैसी रहेगी, कंट्रोल्ड एनर्जी रहेगी, जो किसमें होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो आपको याद रखना है दोनों ही प्रोसेस में, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों में एक ही डिफरेंस है, फिजन दोनों में होता है, फिजन दोनों में होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में आपको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मिलती है और न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड रिएक्शन मिलती है। अब देखो एक डायग्राम और दिया हुआ है, तुम लोगों को दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे ये डायग्राम देखो, दिख रहा है ना, अच्छा देखो कितना मस्त दिख रहा है, हाँ, अब देखो यहां पे क्या हुआ, न्यूट्रॉन आके इस पे टकराया, ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो क्या बना दिया, तीन न्यूट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन, बेरियम इधर अलग हो गया, क्रिप्टॉन इधर अलग हो गया, अब ये तीन न्यूट्रॉन आगे जाके तीन है ना, सॉरी ये एक यूरेनियम, ये दूसरा, ये तीसरा यूरेनियम से टकराएगा, फिर वो और तीन बनाएगा, है ना, और एनर्जी हर बार निकल रही है। अब सोच के देखो, हर एक बार एक यूरेनियम से इतनी एनर्जी, तो अगली बार तीन यूरेनियम, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, और उस अगली साइकिल में 27, तो और तीन गुना बढ़ गया, तो हर बार ये एनर्जी। इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, भयानक डेंजरस, और रिएक्शन तो हो रही है, इन तीनों में आपको कौन सी, न्यूट्रॉन मिल रहे, लेकिन गामा रेज के बारे में, चार्ज है ना, मास है, मतलब वो निकलते ही रहते हैं, उससे मास में, जैसे ये 139, इसके मास में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो गामा रेडिएशन भी निकल रहा है, एनर्जी भी निकल रही है, एनर्जी तो पूरी एक जगह को उड़ा के स्वा पाउडर बना देगी, जला देगी, खत्म कर देगी, लेकिन रेडिएशन उसके और बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आई बात, क्लियर है, ये तो समझ में आ गया ना कि रेडिएशन कैसे इफेक्ट करता है, क्लियर। अब देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर फ्यूजन, किसकी, न्यूक्लियर फ्यूजन कहां होता है, सन में, कहां होता है, सन में भी तो एनर्जी चाहिए ना भाई, है ना। अब इसमें क्या होगा, फ्यूजन में क्या था, बड़ा था टूट गया, फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन मतलब जोड़ना, छोटे छोटा रहेगा तो जुड़ते चले जाएंगे, है ना। तो देखो ये क्या है, ड्यूटेरियम, आज ही बताया, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स, प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, बताया था कि नहीं,
तो 1H1 और 1H1 दो दो मिलके क्या बना लेते हैं, 1H2 और एक बना लेते हैं क्या, एक ऐसा पार्टिकल बना लेते हैं जिसका चार्ज 1 हो लेकिन मास 0, बहुत सारे रेडिएशन निकलते रहते हैं, है ना, क्लियर। अब ये 1H2 अगली बार 1H2 से रिएक्ट करके, 1H2 मतलब क्या है, देखो ड्यूटेरियम है ना, 1H2 ही क्या है, ड्यूटेरियम, तो दो ड्यूटेरियम आपस में मिलके एक ट्रिटियम बनाते हैं, एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन बनाते हैं, और क्या रिलीज कर देते हैं, मतलब हर साइकिल में क्या रिलीज कर रहे हैं, अब चक्कर क्या है, ये ट्रिटियम भी अनस्टेबल है तो ये फिर से रिएक्ट करके क्या बना लेता, हीलियम बना लेता है, क्या बना लेता है, हीलियम कैसा है, स्टेबल। तो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है और क्या निकल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो हीलियम छोटा है तो फ्यूज हो रहा है ना, जुड़ रहा है ना ये, है ना, तो इसलिए बोलते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन। बच्चे हमेशा सोचते हैं सर फ्यूजन डेंजरस है, फ्यूजन डेंजरस है, ये वाला डेंजरस है कि वो वाला डेंजरस है, ये वाला डेंजरस है, क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए एक्सट्रीम हीट की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम हीट, और वो हीट जनरेट कब होती है, जब वो प्रोसेस हो चुकी हो, तो मतलब ये जो है ना, ये उसका भी बाप है, समझ में आई बात, इस जोड़ने के लिए पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, और उस तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलती है। हाइड्रोजन बॉम्ब, ये हाइड्रोजन बॉम्ब ही है, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो पूरे अर्थ को क्या बना सकता है, एक डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे नॉर्थ कोरिया ने बोला कि उसने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, लोगों ने बोला नहीं नहीं हो सकता, तो उसने बोला नहीं आप चाहो तो मैं करके दिखाऊं, लोग बोला रहने दो भैया तुम करके मत दिखाओ, भरोसा है, क्यों, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉम्ब इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ में आया बात, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको बच्चा बाटी। यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके घर पे बना लो, वो हो ही नहीं सकता, क्लियर है, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस थिंग। अब मैं आपको सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर दिखा देता हूँ, क्या दिखा देता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, ये तो क्लियर हो गया ना पूरी पिक्चर समझ में, फ्यूजन इज वेरी वेरी डेंजरस, फ्यूजन समझ में, सो ये है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या है भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल्ड करके कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिस उस एनर्जी का हम अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा एनर्जी निकल गई तो उसका दुरुपयोग होना ही होना है और खेल खत्म, तो ये सदुपयोग है, बॉम्ब बनाना दुरुपयोग है, क्लियर। अब देखो क्या है, ये क्या है रिएक्टर, ये क्या है, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ये कौन सी रॉड्स हैं, इसको ध्यान से देखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कौन सी रॉड्स हैं, कंट्रोल का मतलब ही क्या है, कंट्रोल करना, जब रिएक्शन में देखा कि यार 3 न्यूट्रॉन निकल रहे, कितने न्यूट्रॉन, तो इस रॉड को थोड़ा और इंसर्ट कर दिया, और अंदर इंसर्ट कर दिया तो 2 न्यूट्रॉन इसने अब्सॉर्ब कर लिए, क्या अब्सॉर्ब कर लिए, ये लेड के, किसके रॉड्स होते हैं, लेड के रॉड्स होते हैं, ठीक है, तो हर बार 3 में से 2 क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, तो ये क्या कंट्रोल है, अगर तुमने रॉड निकाल दिया तो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन टकरा जाएंगे, फट जाएगा रिएक्टर, जैसे हो भी चुका है, कहां पे, चेर्नोबिल में, समझ में आए बात, क्लियर है, चेर्नोबिल में ऐसे ही होता है, ज्यादा हीट निकल गई तो ये कूलिंग सिस्टम वर्क नहीं कर पाया और वॉल क्रैक होगी तो रेडिएशन निकलने लगे, लोगों लगा भागो रेडिएशन मर जाएंगे, सब भागने शुरू कर दिए, तो उसका रखरखाव कुछ हुआ नहीं, सच में ब्लास्ट हो गया वो, और बहुत सारे लोग मारे गए फिर, समझ में आया कि नहीं, और रेडिएशन आज तक फैला हुआ है वहां पे, ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर ये यूरेनियम है, ये क्या है, क्लियर, यूरेनियम में ये कंट्रोल रॉड्स लगे हैं, जो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कितना यूरेनियम से कितना न्यूट्रॉन टकराए, डन। अब जब हीट निकलेगी तो हीट कहां जाएगी, यहां से हीट निकली है ना, वो हीट कहां गई, इस हीटिंग चैम्बर में, तो यहां पर क्या रहा, पानी, तो पानी क्या करेगा, उस हीट से स्टीम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टीम, वो स्टीम गई कहां, यहां पे क्या लगा है, टरबाइन घूमेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, स्टीम इंजन में जैसा होता है वैसे सेम, आप ये समझो ये कोयला जल रहा है, स्टीम बन रही है, और ये तो कोयला जलने की जगह यूरेनियम जल रहा है, खत्म, अच्छा ये टरबाइन ने कर दिया, देन अब ये पानी तो नीचे आएगा, तो यहां पे क्या लगा है, कूलिंग टावर, क्या करेगा उसको
ठंडा कर देगा, है ना, और जो न्यूट्रॉन निकले स्पीड से उनको भी स्लो कर देगा, है ना। अब ये वापस कहां चले गए? ऊपर, है ना। ऐसे पानी उड़ाते रहोगे तो कब तक उड़ाओगे? ये वापस कहां गया? यहां पर। और फिर से क्या होगा? ये जो ये क्या जा रहा है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जा रहा है, गया 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 न्यूट्रॉन, यहां पे उसकी स्पीड को क्या किया, कम किया, फिर यहां से घुमा के न्यूट्रॉन को यहां डाल दिया। कितने न्यूट्रॉन निकले थे? तीन। कितने को गायब कर दिया हमने? दो। किसके थ्रू? कंट्रोल रॉड के थ्रू। बचा कितना? वो एक घूम के जा रहा है, उसने जैसे यहां जाएगा उस हीट से कौन बन जाएगा? न्यूट्रॉन, गर्म 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 न्यूट्रॉन जा रहा है, क्या बना देगा? स्टीम। कहां गई? टर्बाइन पे इलेक्ट्रिसिटी बन गई, वापस स्टीम पानी कंट्रोल करते हुए ये कहां गए? वापस बैक टू बिजनेस। ये वापस स्टीम पानी यहीं आ जाएगा, है ना, क्लियर है कि नहीं? गर्म है तो ऊपर से जाएगा, ठंडा तो नीचे से आ जाएगा, समझ में आई बात? और ये न्यूट्रॉन जो यहां से निकला था गड्डी लेके, एक मोड़ आया वापस घर पे आ गया, समझ में आई बात? अब वो फिर से यूरेनियम से टकराएगा, फिर से कितने बनेंगे? फिर से दो को गायब कर देंगे, फिर से एक को घुमाएंगे, वो एक जाएगा हीट लेके घूम के आएगा, फिर आके टकरा जाएगा, फिर तीन बनाएगा। नहीं आई बात समझ में? समझ में आई बात? और ये जो है ना कूलिंग टावर, ये कूलिंग टावर, इसमें भी D2O भरा रहता है, इसमें भी D2O भरा रहता है, क्यों? हैवी वाटर भरा रहता है, ताकि न्यूट्रॉन की स्पीड भी कम हो जाए। इसमें तो नॉर्मल पानी भी भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको D2O ही चाहिए, यहाँ पे भी आपको D2O चाहिए, ताकि न्यूट्रॉन ठंडा भी थोड़ा पड़ जाए और उसकी स्पीड भी कम हो जाए, नहीं तो एकदम तेजी से आगे धन से टकराया और बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। समझ में आई बात? क्लियर। सो गाइज, हमने आज बहुत कुछ पढ़ा, यस। इसको रिवाइज कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।